असलम एवरी वन माई नेम इज़ डॉक्ट डॉक्टर फरहाना है दिस इज़ थर्ड ऑफ आवर सीरीज़ ऑफ़ इमोशनल इंटेलिजेंस सेशंस जो कि हमने स्टार्ट किए थे द लास्ट वन वाज़ इन लास्ट मंथ और अब हम इसी की कंटिन्यूएशन में uh, कर रहे हैं बिफोर वी मूव ऑन टू टुडेज सेशन थोड़ा सा हम आपका जो प्रीवियस फीडबैक है और जो 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 चीज़ें हम तक आई हैं उसके हवाले से थोड़ा सा जो था वो डिस्कस कर लेते हैं क्वेरीज वगैरह जो है उनको एड्रेस कर लेंगे एक तो ये आप लोगों ने कहा था कि बेटर के स्लाइड्स अगर थोड़ी सी दिखाई जाए ताकि थोड़ा सा फोकस रहे और इजी हो जाए चीजें तो वो हमने आज uh, किया है स्लाइड्स बट मेजोरिटी ऑफ इट वुड बी लाइक इंटरक्टिव डिस्कशन करेंगे हम और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आएंगे जहाँ पे कोई आपका क्वेश्चन होगा तो विल 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 एक्चुअली नॉट स्टॉप देयर क्योंकि वो थोड़ा सा लोगों को इंटरप्टिव लग रहा था कि वो चीजें वो, में नहीं जा रही होती तो हम शुरू में पिछले सेशन के हवाले से पूछ लेंगे अगर कोई सवाल है एंड विल डू द्यू एट द एंड इनशा और इसके अलावा ये के अम, कुछ चीजें ऐसी थी जैसे जो आई थी कि मसला फॉर एग्जाम्पल ब्रेन को एक्सप्लेन करें या हॉर्मोन्स को या इमोशंस को तो ये वो चीजें जो हमारी जो कोर्स हम फॉलो कर रहे हैं गाइडलाइन उसके अंदर हैं और हम, आ, हम हम उसको आपको आवाज आ रही है सो so, वो हम आगे फर्दर मजीद करेंगे बट आर गोइंग स्टेप इमोशनल इंटेलिजेंस की बेसिस जो है उससे अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करें और आगे जो है मजीद चले तो अबाउट ब्रेन we'll, we'll तो स्टडी अबाउट हारमोन थिंग हमारी जो ऑडियंस है वो इतनी डाइवर्स है इतने मुख्तलि बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं कि हमें उसको um, सबके लिए आसान करना है जो जो इस रूम um, में ऐसा बंदा है जिसने कभी साइंस नहीं पढ़ी जिसको हार्मोन्स का नहीं पता जिसको नहीं पता कि ब्रेन के अंदर क्या होता है उसको भी समझ आनी चाहिए इस लेवल पर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो उन लोगों के लिए शायद थोड़ा सा उनको मुश्किल लगे जिनको पहले से ये चीज़ें पता है लेकिन हमने क्योंकि सबको साथ लेके चलना है सो हम हम इजीली उसको इंशाल्लाह उस लेवल पे भी जाएंगे लेकिन एट अ लेटर स्टेज और फिर ये भी पूछ रहे थे बहुत सारे लोग कि अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल अपने बच्चों को इमोशनल इंटेलिजेंस बनाना है अब अगर आपने इमोशनल इंटेलिजेंट स्पाउस चूज करना है इस तरह की चीजें करनी है तो हम कैसे करें तो देखें दिस इज लर्निंग इज द की टू इट जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस खुद सीखेंगे अपने ऊपर अप्लाई करेंगे इम्प्लीमेंट करेंगे जब आपको पता होगा कि वो क्या है जिस चीज़ के बारे में आप कॉन्शियस होते हैं ना तो उसी को वो कर रहे होते हैं लाइक उसी को समझ रहे होते हैं उसी को देख रहे होते हैं तो इसलिए इट्स इम्पोर्टेंट कि पहले खुद सीखें जब आप खुद सीखेंगे उसके बाद आप लोगों को सिखा सकते हैं उसके बाद आप मजीद जो है वो अगलों पर बाकी लोगों पर अप्लाई कर सकते हैं और मजीद जो लोग उनको उनको समझा सकते हैं अपने इमोशंस पहले समझेंगे तो, तो दूसरों समझेंगे राइट right? अच्छा उसके अलावा कुछ लोगों ने एक पर्सनल कॉन्सल्टेशन के लिए कहा था देखे एट द मोमेंट आई कैन नॉट डू एनी पर्सनल कॉन्सल्टेशन लेकिन ये कि अगर किसी को लगता है कि उनको सीरियसली थेरेपी की जरूरत है या लाइक like, बट you know,

ताकि हमें पता लग जाए कि जो बात की जा रही है वो आप लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही सो so, फरहाना ने फीडबैक के रिगार्डिंग बहुत अच्छे से डिटेल में आप लोगों को चीजें बता दी हैं जी आप लोगों को फीडबैक मिल गया यस yes, फरहाना वी हैव रिसीव्ड इट टी पार्टिसिपेंट ठीक है आगे? मतलब इट्स फाइन ठीक है ठीक है ओके हाँ इस, इसके हवाले अलावा कुछ लोगों ने स्पेसिफिक चीजों के हवाले से पूछा है जैसे डिप्रेशन एंजाइटी पैनिक अटैक्स वगैरह देखिए ये, वो चीजें हैं ये भी हम इंशाल्लाह एंड पे थोड़ी थोड़ी करके कवर करेंगे जितनी हद तक पता होनी चाहिए या जि, जिस हद तक आप खुद कंट्रोल कर सकते हो और आपको प्रोफेशनल के पास ना जाने की जरूरत पड़े तो वो इंशाल्लाह विल डू बट एट द वेरी एंड अभी हम बिल्कुल इनिशियली वी वी वॉन्ट स्टार्ट क्योंकि वो थोड़ा सा ज़ाहिर मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए करना अच्छा एक और चीज़ ये थी कि पिछली दफ़ा हमने एक बात की थी कि वन ऑफ़ द सिस्टर्स सेड के हजरत इब्राहिम अल्लाम के हवाले से हम सेल्फ अवेयरनेस में से बात करें तो शी सेड के वो जो एक डायलॉग था उनका सूरज और चांद वाला वो कुरान पाक में नहीं है आई बेंट बैक एंड आई सॉ इट और ये सूरह अल अनाम की सेवेंटी फाइव टू एटी आया था सो तो अगर इफ शी इज लिसनिंग या बाकी अगर किसी को कोई इस हवाले से है थोड़ा सा डाउट है तो प्लीज़ गो एंड रीड अप ऑन इट ये वाला डायलॉग जो है वो क्लियरली कुरान पाक में मौजूद है और फिर एक और सवाल भी था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि क्या हमें श्योरिटी है कि वो गरे हिरा जाते थे या नहीं जाते थे जा, वह, वहाँ जाके क्या करते थे तो ये भी मैंने चेक किया था ये बुखारी की बावल वही में मौजूद है आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं इसके बारे में बहुत डिटेल तो नहीं है कि वो वहाँ क्या करते थे बट इट्स मोर अबाउट के उन पर पहली वही वहाँ पे आई थी और वो लाइक यू नो कॉन्टेपलेट करते थे वो एक जो सेल्फ अवेयरनेस वाली चीज है उसके बारे में हमें okay. uh, okay. है तो यू कैन गो एंड रीड अप ऑन दैट राइट ठीक डायलॉग ये था सॉरी हजरत इब्राहिम इस्लाम का जो डायलॉग था इन रिगार्ड्स टू कि जब उन्होंने सूरज को देख सितारे को देखा और वो डूब गया तो उन्होंने कहा कि हिब्बुल मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता वो वाला जो डायलॉग है मैं उसकी बात कर रही हूँ ठीक है um, अच्छा अब हम आ जाते हैं हमारी जो लास्ट टाइम की एक्टिविटी थी किसी को याद है कि हमने क्या एक्टिविटी कही थी और क्या होमवर्क मिला था अगर किसी को याद है तो प्लीज हाथ खड़ा कर लें या चैट में बता दें एंड वील आस्क यू थोड़ा सा उस पर रिकैप करके देन वील मूव टू टूडेज टॉपिक जी आप लोग हैंड भी रेस कर सकते हैं और चैट में भी टाइप कर सकते हैं सो so दैट जो क्वेश्चन फरहाना ने पूछा है उसका आप लोगों से लिया जा सके एक एक्टिविटी थी हमारी इमोशंस के हवाले से इफ समबी रिमेम्बर्स दैट ओके चले मैं बता देती हूँ वो बेसिकली एक्टिविटी ये थी कि इमोशंस आपके ने... कोई भी अपने इमोशंस के वाले सेग्जाम्पल लेनी है और आपने फैमिली के अंदर देखना है कि आपका उनसे कोई ऐसा इंटरेक्शन हुआ कोई ऐसी चीज हुई जिसके अंदर आपको लगा कि हाँ मतलब हमारा एक इमोशनल आउटबर्स्ट आया या इमोशंस जो है वो ट्रिगर हुए हैं या एक इमोशनल रिस्पॉन्स आया है और वो क्या रिस्पॉन्स जस्टिफाइड था या नहीं था और अगर था तो उसके अंदर हम क्या कर सकते थे वट एल्स कुड है उसके बारे में सोचा ठीक है सो अगर आपने नहीं की तो यू कैन गो गो बैक दिस टाइम और आप कर सकते हैं कोई मसला नहीं है लेकिन क्योंकि ये जो एक्टिविटीज है वो टाइम बेस्ड नहीं है ये आज का भी जो हमारा सेशन um, है वो पूरा इमोशंस के बारे में तो इवन ये उससे भी रेलिवेंट है और जब भी आप इसे करेंगे चाहे आज करें चाहे, करें, चाहे कल करें इट इज गोइंग टू हेल्प यू आपको हेल्प करेगी अपने जो इमोशंस उनको अंडरस्टैंड करने में या जो अपने आपके जिस बात है या जो एक बंदा एक सोचता है ना कभी मैं ऐसे क्यों करता हूँ like, है गलत है लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ तो वो उस, उसके बारे में the, the के आपने सोचना है पहले, पहले तो उसको लिखें कि क्या हुआ था वट है और फिर उसको एक न्यूट्रल परस्पेक्टिव से सोचे तो सॉरी अगर अनम्यूट कर ले माइक काइंडली माइक आयशा का माइक जी जी ओके ओके सो सोचे और उसके बारे में एंड देन यू कैन कम बैक और और ये एक्टिविटीज कोई वो नहीं गई आपने लाजमी करनी करनी है बट वही बात है कि जो करेगा उसको फायदा होगा जो नहीं करेगा तो देन इट्स लाइक कमिंग इनटू दिस सेशन एंड देन गोइंग बैक तो उससे आप मैक्सिमम जो फ्रूट है वो नहीं ले सकते ये आपके लिए इतना फ्रूटफुल नहीं होगा

ओके सो बेसिकली हम आज बात करेंगे इंसानी जज्बात के हवाले से ह्यूमन इमोशंस के हवाले से इसलिए क्योंकि जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं और हमने पिछले दो सेशन में बड़ा लाइक like, डिटेल में देखा कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या हो, होती है um, क्या कैसे हम उसको आई क्यू से डिफ्रेंशिएट करते हैं और क्या क्या इम्पोर्टेंस है उसकी क्या ज़रूरत है उसकी हमारी अपनी रियल um, लाइफ में डे टू डे लाइफ में और अगर वो नहीं होती तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आते होते हैं क्या मसाइल आते हैं ठीक है सो अभी हम जब तक हम इमोशनल इंटेलिजेंस में इमोशंस को क्योंकि इमोशंस कोर पार्ट है उसका जब तक हम वो नहीं देखेंगे तब तक हमें नहीं समझ आएगी कि हमने इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाना कैसे या हम उसकी डेप्थ में नहीं आ, समझ सकते ठीक है so, सो इसलिए हम ह्यूमन इमोशंस को देखेंगे नेक्स्ट लाइक या ये सूर्य दुहा की आयत है हम इससे स्टार्ट करेंगे वरना हुआ था आपका ये उस टाइम की आयत है जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इनिशियली जो एक वही का नजूल का सिलसिला था वो टेम्परली डिसकॉन्टिन्यू हुआ हो गया था तो अल्लाह तला ने और वो बहुत अपसेट थे परेशान थे कि ऐसा क्यों हो गया अल्लाह तुमसे नाराज तो नहीं हो गए या जाहिर सी बात है सौ तो तरह के उनके दिमाग में डिफरेंट सोचे आ रही थी तो उसको अल्लाह ताला ने कंसोल किया कि अल्लाह ताला ही जो है वो एक पूरी सूरत आई दुहा और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला ही हंसाता भी है और रुलाता भी है और अल्लाह ताला ही जो है वो अल्लाह ताला, ताला ने आपको अकेला नहीं छोड़ा वो पूरी आप उसमें पढ़ सकते हैं बट कहने का मकसद ये कि ह्यूमन इमोशंस एक ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह ताला भी एक्नॉलेज करते हैं और अपने नबी वाकम के लिए उन्होंने एक्नॉलेज किया और उसके लिए पूरी सूरत भेजी और उनको कंसोल किया सो इमोशनल इमोशंस जो है वो एक रियल एंटिटी है uh, हम ये ये कहना इसलिए ज़रूरी है कि हमारे यहाँ एक बहुत एक कॉन्सेप्ट uh, पाया जाता है कि नहीं ये तो इमोशनल है बंदा या इमोशन जो है वो एक वीकनेस है uh, और ये कि जो है वो इमोशन uh, जो है वो जो है वो नहीं होने चाहिए और लाइक um, like आपको बहुत लॉजिक से चलना चाहिए ठीक है तो uh, है, That's all about consoling. पाक ने ये जो पूरा मतलब इमोशंस को रिकगनाइज किया है और इमोशंस को ये कहना की वो स्ट्रेंथ नहीं है वो वीकनेस है दैट इन इट सेल्फ इज इन्हेर क्योंकि अल्लाह तक आपको कोई चीज़ दी है तो उसको उस देर देर हैज टू बी यूटिलिटी फॉर इट अगर उसकी यूटिलिटी ना होती तो वो हमें कभी भी ना मिलता तो ओनली थिंग इसके आपको ने उसे अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनाना है वीकनेस कैसे नहीं बनाना और चैनलाइज कैसे करना है ठीक okay, um, yeah. अच्छा, है ओके नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड कैसे नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा प्लीज या अच्छा सबसे पहले एक्टिविटी की स्लाइड आ रही जी जी ओके अच्छा स्टार्ट करेंगे कि आपने चैट में आप लिख लें या अपने पास लिख लें एज मेनी इमोशंस एज एज एस वी कैन आप नेम कर सकते हैं अपने इमोशंस को एक मिनट में विल विल वेट फॉर वन मिनट और आपको जितने इमोशंस समझ में आ रहे हैं प्लीज लिखिएगा सो दैट वी नो के नेमिंग द इमोशंस कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ओके सैडनेस है एंगर

बहुत सारे तो से हैप्पीनेस इन सेल्फ को हम इमोशन नहीं कहते हैं जोए को इमोशन कहते हैं बट uh, uh, कहने का मकसद वही है कि बेसिकली कि इमोशंस क्या होते हैं या हाउ डू यू नेम योर इमोशंस या हाउ हाउ कैन यू लेबल समथिंग एंड से कि हाँ ये ये इमोशन है ठीक है सो एक तो ये वाली बात है ना कि इसके लिए इमोशंस की आपके पास लिटरेसी होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए कि क्या इमोशन कौन सा है या इसको हम कैसे नेम कर सकते हैं ठीक है ये इंपॉर्टेंट है ठीक है और उसके बाद फिर ये कि वंस वी नो कि कैसे नेम है उसके बाद वील मूव फ्रॉम देअर ऑनवर्ड्स राइट सो तो बहुत सारे अपने इमोशंस बनाए बिल्कुल सही ठीक है नेक्स्ट लाइन ओके अच्छा अब आपने जो बहुत सारे इमोशंस बताए उनमें से काफी सारे ये हैं जो इस इस व्हील ऑफ इसको प्लट व्हील ऑफ इमोशन कहते हैं और ये क्यों हम पढ़ते हैं क्यों हम देख रहे हैं ताकि हमें पता हो कि अपने जो इमोशंस हैं क्योंकि वही बात है इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सेल्फ अवेयरनेस सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं तो जाहिर है हम कोई भी डे टू डे सिनेरियो लेंगे और उसमें चेक करेंगे कि कैसे हमारे इमोशंस क्या इमोशन हम फील कर रहे थे क्या थाट्स थी क्या फीलिंग्स थी वो हमारे बिहेवियर में कैसे आया तो definitely सबसे पहला step ये है कि name, uh, हमें अपनी feeling को अपने इमोशन okay, so अच्छा अब अगर इस व्हील को आप देखें तो बड़ा अमेजिंग किस्म का व्हील है उसकी वजह यह है कि इसके अंदर जो प्राइम इमोशन है प्राइमरी सेकेंडरी इमोशन करेंगे ठीक है लेकिन मैं आपको इस पे बता देती हूँ anticipation, joy ये वाला जो आप पूरा इसका सर्कल देख रहे हैं फियर सरप्राइज सैडनेस ये प्राइमरी इमोशंस है ठीक है अच्छा जब आप इससे अंदर की तरफ आते हैं ये जो बिल्कुल सेंटर वाला है आपके पास ये इन इमोशंस की एक्सट्रीम फॉर्म है जैसे एंगर है तो अगर आप एंगर भर जाता है तो क्या बन जाता है रेज बन जाता है ठीक है तो ये इसकी एक्सट्रीम फॉर्म है और अगर बाहर की तरफ जाएंगे तो इसका लेस इंटेंस फॉर्म है जैसे अगर एंगर से थोड़ा कम होगा तो वो होगा अनोईस के बाद एंगर होगा एंगर के बाद रहिए इसी तरह दूसरी तरफ हम देखते हैं तो आप अगर देखें जॉय वाला जो ऊपर आ रहा है सबसे तो जॉय है ऊपर सेंटर में उससे अगर वो कम होगा थोड़ा तो उससे कम सेरेनिटी है और उससे ज्यादा एक्सटेसी है क्या एक्सट्रीम किस्म का जॉय है ठीक है इसी तरह अगर आप ग्रीन वाला जो है राइट साइड पे उसको देखते हैं तो एक दरम्यान में फियर है यानी खौफ इंतहा का जो फियर है वो टेरर है और अगर थोड़ा कम फियर है तो वो थोड़ी टेंशन या थोड़ी तजबज वाली कैफियत है जो अप्रीहेंशन जिसको कहते हैं ठीक है थीके? अगर आपको ये सारे इनके मतलब समझ नहीं भी आ रहे तो कोई मसला नहीं है आप उसको देख सकते हैं बट ये एक एक जनरल कॉन्सेप्ट देने के लिए कि इमोशंस एक तो ये कि प्राइमरी इमोशंस हैं ये ये जो सारे ये जो एंगर एंटिसिपेशन जो ये जो सेंटर वाले हैं और उनको अगर वो बढ़ेंगे तो क्या होगा अगर कम होंगे तो क्या होगा अच्छा दरमियान में भी आप देखें कुछ चीजें ये लिखी हुई है ठीक है जैसे लव है सबमिशन है ये जो इमोशंस है ना ये कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशंस है ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल जॉय और ट्रस्ट मिल, मिलके लव लव बन रहा है ठीक है इसी तरह यहाँ पे आप देखें तो बोर्डम और अनॉइंस मिलके कॉन्टेम्ट बन रहा है कॉन्टेम्ट यानी एक थोड़ा सा किसी के खिलाफ दिल में होना आ, कुछ गुस्सा सा या या जैसे और मतलब ये जैसे इंटरेस्ट मिलके मतलब दो इमोशंस एम, का कॉम्बिनेशन है तो हमें ये पता चला कि कुछ इमोशंस आठ इमोशंस ऐसे हैं जो बेसिक है ठीक है उसके बाद ये कि उनकी कम फॉर्म्स भी हैं ज्यादा फॉर्म्स भी हैं लाइक उनकी जो अगर उससे बढ़ेगा तो वो क्या होगा अगर उससे कम होगा तो वो क्या होगा और अगर दो इमोशन आपस में कंबाइन करते हैं तो एक तीसरा इमोशन को भी जन्म दे सकते हैं ये ऐसे ही है जैसे आप रेनबो के कलर्स देखते हैं तो दो कलर्स मिलते हैं तो तीसरा कलर बनाते हैं प्राइमरी कलर्स होते हैं सेकेंडरी कलर्स होते हैं इसको आप उससे भी याद रख सकते हैं राइट तो ये है किसी ने पूछा है कि फीलिंग और इमोशन में क्या फर्क होता है बेसिकली देखें इमोशन परसिस्टेंट फॉर्म ऑफ फीलिंग होता है फीलिंग इज लाइक एक 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 instance पे हाउ डिड यू फील और इमोशन उसी की उसी को जो आप थोड़ा सा जो उसकी well maintained form होती है या जिसे कहते हैं ना कि एक जैसे जैसे वही है weather और climate में है और में कि एक जो है वो परमानेंस है ठीक है और इमोशंस जो है बेसिकली उसकी एक जिसे कहते हैं ना एक मेच्योर मेचोरर फॉर्म है या एक थोड़ी परमानेंस वाली फॉर्म है, है. कि हम किसी किसी चीज को मतलब जो एक हमें इंस्टेंस फीलिंग ठीक है और फिर हम उसको ट्रांसलेट करते हैं तो हम उससे कहेंगे कि ये हमारा इमोशन है इससे रिलेटेड लाइक like, uh, कोई भी ऐसी चीज ठीक है अच्छा और ठीक हो गया नेक्स्ट अच्छा क्या क्या कॉम्पन होते हैं इमोशन के लेकिन um, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ होता है इन्वायरमेंट में uh, जैसे कोई ना कोई ट्रिगर आता है आप जब भी कोई भी इमोशन फील करते हैं हैप्पी हैं सैड हैं अपसेट हैं गुस्सा है एंगर है, 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 है कुछ भी है मतलब सबसे पहले देर टू बी अ ट्रिगर फ्रॉम एनवायरमेंट इन्वायरमेंट में आपके जो इर्द गिर्द माहौल है उसमें कुछ होगा अम्मी कुछ कहेंगी तो ट्रिगर तो आएगा हस्बैंड कुछ कह रहे हैं तो ट्रिगर आएगा बच्चे कुछ कह रहे हैं तो ट्रिगर आएगा ठीक है वो ट्रिगर आता है एनवायरनमेंट से या आपके के माहौल से और फिर वो आपका कॉग्निटिव अप्रेजल का मतलब है कि वो आपके मतलब जब वो अंदर जाता है तो कॉग्निटिव अप्रेजल से मुराद ये है कि वो आपकी जाहिर सी बात है उस इमोशन से उस फीलिंग से आपका एक थॉट जनरेट जनरेट होगी ठीक है और और उसके उसके रिस्पांस में आपका एक बिहेवियर जनरेट होगा ठीक है मसलन गुस्सा आ रहा है तो बच्चों पे गुस्सा कर लिया या बच्चों को कुछ कह दिया या हस्बैंड से अगर पे गुस्सा आ रहा है तो लड़ाई हो गई मतलब कोई ना कोई उसका एक रिस्पांस जनरेट होगा ठीक है और उसके बाद क्या हो uh, मतलब एक उसका जैसे फॉर एग्जांपल एंगर है ठीक है एंगर से क्या हुआ आपको एंगर आया थॉट्स जो है वो आपकी उस तरह की पर्टिकुलर उसके अंदर एक 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 उस रॉ में बह गई उसके बाद जो है वो आपका एक 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 रिएक्शन जनरेट होगा ठीक है रिएक्शन जनरेट होगा एक बॉडीली आपकी फीलिंग जनरेट होगी कि हाँ बॉडी में अब जो है गुस्सा आ रहा है अब मुंह क्यों बिलाल हो गया है या कोई भी मतलब कोई भी आपका कोई भी ऐसी चीज हो रही है बॉडी में जिससे पता चल रहा है कि जी हाँ जी गुस्सा आ रहा है एंड देन यू विल यूलॉन्ड टू दैट इमोशन ठीक है तो सबसे पहले एक ट्रिगर आया उसको वो हमारी बॉडी ने उसको अब्जॉर्ब किया उसके बाद उसका एक रिएक्शन बनाया चाहे वो साइकोलॉजिकल रिएक्शन है चाहे वो फिजिकली जिसम के अंदर रिएक्शन है और फिर उसका एक्सप्रेशन होगा वो बाहर निकलेगा और वो दिखेगा हमारा जो जो भी इमोशन होगा उसका रिस्पॉन्स नेक्स्ट ठीक है तो कोई भी इवेंट आया ठीक है उसी उसका एक cycle, आ, मतलब उसका एक ए, एक एक मतलब जाहिर सी बात है इनपुट आया हमारे अंदर के, ये ये ट्रिगर आया उसने हमें ट्रिगर किया फिजियोलॉजिकल का मतलब है कि बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स आया ठीक है कि कोई भी जैसे दिल की धड़कन जैसे अगर स्ट्रेस में बंदा तो दिल की धड़कन तेज हो गई या पैनिक करे तो सांस लेने में दुश्वारी हो रही है जो भी जो भी आपके पास इमोशन या अगर गुस्सा है तो एकदम से जो है वो आ, तेजी से सांस ले रहे हैं और बिल्कुल लाल हो गए हैं लाइक यू नो गुस्से में और वो एक और उसके बाद एक बिहेवियरल रिस्पॉन्स आएगा या तो आप आप उस पर काबू पा लेंगे या आप उस पर काबू नहीं पा सकेंगे आप शाउट करेंगे या जिस जिस भी तरह से आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे लेकिन एक एक स्पेसिफिक बिहेवियर रिस्पॉन्स आएगा तो इससे पूरा एक इमोशनल एक्सपीरियंस जनरेट होता है ठीक so, है सो इमोशंस जो हैं वो बेसिकली <coughs> ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हवा में जो है वो लटक रहे होते हैं और बस वो आते हैं और लाइक हम 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 बस गुस्से में आ गए या कुछ भी हो गया वो पूरा साइकिल होता है कि जिस लम्हे हमने वो उस इमोशन को महसूस किया उसके बाद हमारी बॉडी में भी कुछ तब्दीलियां आती हैं और उसके बाद हमारे मतलब वो पूरे के अंदर चल रोते हैं कुछ ना कुछ जिसमानी तौर पर भी रिस्पॉन्स चल रहा होता है जहनी तौर पर साइकोलॉजिकली भी चल रहा होता है और फिर उसका एक उसका एक हम देखते हैं कि हाँ जी ये इस शक्ल में अब वो बाहर निकल गया ठीक है नेक्स्ट आ, पीछे जाइएगा सॉरी एक एक स्लाइड हमारी गई है है ठीक अच्छा ठीक है जैसे हमने कहा कि हाँ जी हमारी फीलिंग्स आई फीलि, फीलिंग्स के साथ कोई भी बॉडीली मतलब हमारे कोई भी चीज आई कि उसकी वजह से जिसम के अंदर कोई ना कोई तब्दीलियां आई और फिर हमने उसको सोशली एक्सप्रेस किया कि हमने अगर अगर हम गुस्सा कर सकते थे और हमें करना था और हमें कंट्रोल नहीं था तो हमने कर लिया वरना अगर हम नहीं कर सकते थे तो हमने इसको किसी ना किसी फॉर्म में जो है वो चैनलाइज कर दिया या हमने उसको किसी किसी और फॉर्म में निकाल दिया देखिए इमोशंस होती है ना वो एक एनर्जी होती है हमारी साइकोलॉजिकल एनर्जी होती है ये ऐसा ही है कि जैसे आप अगर एक साकिन पानी है उसके अंदर आप पत्थर फेंक दें ठीक है तो पत्थर से रिपल्स तो बनेंगे और वो जहाँ तक एनर्जी जितनी एनर्जी होगी उसके अंदर वो वो वहां तक दूर तक जाएंगे ठीक है उसका असर रहेगा तो ऐसा हो नहीं सकता कि एक इमोशन आए और उसका कोई असर ना हो को कुछ भी ना हो या तो वो निकलेगा किसी भी सही फॉर्म में या वो गलत फॉर्म में निकलेगा या वो किसी ना किसी और फॉर्म में निकलेगा लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि उसका रिस्पॉन्स ना आए ठीक है so, सो देख हमने ये देखना है कि जैसे हम बहुत सारी दफा कहते हैं ना कि ये फला तो रिएक्ट ही नहीं करता हो सकता है वो रिएक्ट ना करता हो लेकिन वो किसी और फॉर्म में उसको ले जाता हो या वो किसी और फॉर्म में निकल आता हो ठीक है सो हमें ये देखना है कि जो हमारा इमोशन जो ट्रिगर हो रहा है वो किस तरह उसको चैनलाइज कैसे कर रहे हैं हम या वो कहाँ जा रहे हैं वो एनर्जी कहाँ जा रही है क्योंकि एनर्जी ऐसे खत्म तो नहीं हो जाती जब तक कि वो निकल ना जाए या जब तक उसको चैनलाइज ना कर दिया जाए सही और फिर जाहिर है उसका जो पूरा प्रोसेस होता है उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है लेकिन जैसे अगर एंगर है तो तो उसके पीछे कोई ना कोई हाँ जी एक ट्रिगर आया है कोई ना कोई मकसद है कि हाँ जी अब वो निकल रहा है जिसकी वजह से कुछ कोई सर्टन चीज होगी कोई कोई काम होगा कोई कोई भी जैसे गुस्सा हो गया जैसे लड़ाई हो गई या जैसे अगर आप नई लड़ाई नहीं करना चाहते तो आप उसको प्रॉपरली चैनलाइज कर देंगे तो कुछ ना कुछ एक एक्सप्रेशन होगा उसके पीछे पीछे एक पर्पज होगा और पूरा एक, एक 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 पूरी हिराकी के फॉर्म में एक पूरी जिसे कहते हैं ना कि एक एक साइकिल चल रहा होगा बेसिकली कि ये हुआ फिर उसके बाद ये हुआ फिर उसके बाद ये हुआ ऐसे जा रहा होगा ठीक है अच्छा हिरारकी uh, का मतलब होता है कि एक के बाद एक चीज होना यानी स्टेप वाइज चीज होना ये नहीं कि मतलब एकदम से रैंडमली कुछ हो जाना एक एक चीज होती है फिर नेक्स्ट चीज होती है फिर उसके बाद नेक्स्ट होना इसको कहते हैं <coughs> अच्छा uh, next, next slide, अच्छा मैं एक मिनट जरा सा चार्ट देखना चाह रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं और मैं नहीं चाह रही कि एकदम से ये चीज़ें एंड तक रह जाएं जी फरहाना क्या कह रही हैं जी मैं चैट सिर्फ एक मिनट देख रही थी कि कोई अगर sure, sure. मतलब इस तरह आँ... जी बिल्कुल सम्बटी सेट फीलिंग हम एज अ रिस्पॉन्स टू इमोशंस भी कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि, कि उसके एक परमानेंट फॉर्म है ठीक है इमोशंस हम बिल्कुल एक्सप्रेस करने चाहिए मैंने अभी आपसे कहा था कि वो लोग जो ये कहते हैं कि emotions जो है जो भी अपने इमोशन का एक्सप्रेस को करता है वो weak होता है ऐसा नहीं है बात यह है कि emotional intelligence हमें ये सिखाती है कि आपने emotion को कैसे channelize करना है या कैसे express करना है या या उसको कैसे उसका इजहार करना है ठीक है ये ये कहना कि पल, आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाना है हाउ कैन यू कंट्रोल योर इमोशन एक चीज है जो आपको अल्लाह ताला ने दी है अल्लाह ताला ने हर इंसान को दी है अपने नबी को दी थी उनको उनको भी इमोशंस uh, दिए थे तो हाउ कैन यू से इंसान को इमोशनल नहीं होना चाहिए या, या वो हर वक्त अपने इमोशंस को कंट्रोल करे कंट्रोल से मुराद ये है कि आपको अपने इमोशंस को चैनलाइज करना आना चाहिए या आपको पता हो कि किस फॉर्म में आप उसको एक्सप्रेस कर सकते ठीक है ट्रिगर्स um, इंटरनल भी हो सकते हैं बिल्कुल और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं इंटरनल कोई भी ऐसी चीज़ है जो हो सकता है कि वैसे जनरली वो आ, इतनी कोई परेशान कौन को ना हो लेकिन आपको किसी भी चीज़ की वजह से चाहे वो आपकी पर्सनैलिटी है चाहे आप बहुत अगर सेंसिटिव हैं किसी भी चीज़ की वजह से आपको अगर हो सकता है वो इंटरनली ट्रिगर कर जाए तो ट्रिगर कुछ भी हो सकता है इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है ठीक है और मुख्तलिफ लोग अपने मुख्तलिफ तरह से जो जज्बात हैं उसका इजहार करते हैं कुछ लोग उनको गुस्सा आता है उनको रोना आता है कुछ लोग जो है वो एकदम से फाइट और फ्लाइट मोड में चले जाते हैं फौरन लड़ाई झगड़े पे आ जाते हैं तो ये आपका अपना क्योंकि हर इंसान के पास जो भी चीज़ आती है कोई भी स्ट्रेस आ रहा है कोई भी इमोशन आ रहा है उसका एक कोपिंग मैकेनिज्म होता है कि वो उसको कैसे डील करता है कुछ लोगों की कोपिंग मैकेनिज्म जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं कि वो अच्छे से उसको डील कर लेते हैं ठीक है और कुछ लोगों के अच्छे नहीं होते वो उसको ऐसे डील कर होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग होते हैं जब जिंदगी में परेशानी आती है टेंशन आती है तो वो बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं वो किसी से बात नहीं करते वो अपने अंदर रखते हैं ठीक है कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह माफ़ करे बहुत सारे अल्कोहल ड्रग इस तरफ जा सकते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मतलब अपनी जिंदगी को खत्म करने के दर पे हो जाते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने डिप्रेशन ये जो एनजाइटी जो भी उसको चैनलाइज करते हैं ठीक है कुछ लोग होते हैं जो हेल्प लेते हैं ठीक है सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी क्या है ठीक है और आप चीजों को कैसे देखते हो और आपके कोपिंग मैकेनिजम्स कैसे यानी कि क्या वो ऐसे हैं जो आपको हेल्प करते हैं इन द लॉन्ग रन या हेल्प नहीं करते क्योंकि देखें हम दुनिया में रहते हैं परेशानियां भी आएंगी मुश्किल भी आएंगी मुसीबतें भी आएंगी और जब जहां पे एक से ज्यादा लोग रहते हैं कॉन्फ्लिक्ट या आपस में रगड़ भी आएगी ठीक है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये डील करना आता हो कि उसको कैसे करना है ठीक है राधर देन के आप सोचें कि नहीं मसले आए ना ऐसा हो नहीं सकता आप जिस बंदे को भी देखें वो दुनिया में उसके पास कोई ना कोई अपने मसाइल हो गए लेकिन आप उसको कोप कैसे करते हैं कोपिंग मैकेनिज्म का मतलब यह है कि आप परेशानियों से या मुश्किलात से कैसे डील कर ठीक है तो ये जरूरी है कि आपको और, और देखें हर चीज को अगर आप मतलब देखें एट द एंड जो उसका जो लिंक है वो कहाँ से आता है वो इस चीज से आता है कि आप अपने बारे में कितने अवेयर हैं ठीक है थीके? अपने बारे में अवेयरनेस होना कि अच्छा अगर मतलब ऑटो पायलट पे नहीं चल रहे जैसे हमने पिछली दफा भी बात की थी ऑटो पायलट की तो ऑटो पायलट पे आप नहीं चल रहे आप अवेयर हैं कि मैं ये चीज़ कर रहा हूं तो मैं क्यों कर रहा हूँ बात ऐसा होता है कि हम क्योंकि जज्बात की रोह में बह जाते हैं तो हमें उस लम्हे उस टाइम उस वक्त जब वो चीज़ हो रही होती है हमें नहीं समझ आती लेकिन कोई मसला नहीं है एट द एंड ऑफ द डे हम सारे इंसान हैं गलतियां सबसे होती हैं लेकिन अगर आप बाद में भी उस बारे में सोचें और आप अपने वो जो इमोशन है उनको या जो जज्बात है उनको डट करें और देखें कि अगर मैंने ऐसा रिस्पोंड किया अगर मैंने बदतमीजी की तो मैंने क्यों की मतलब क्या वजह थी कोई कोई वजह थी क्या मेरी मेरा कोई ऐसा ट्रिगर आ गया था क्यों हुआ था ऐसा और अगर हुआ था तो क्या हो सकता था मैं इसको किस तरह मतलब मुख्तलिफ तरीके से रिस्पोंड कर सकता था मैं इसका जवाब किस तरह तरीके से देख सकता था या मैं इसको कैसे बेहतर बना सकता था ठीक है अगर आप बाद में भी सीख लेते हैं और बाद में भी उसके ऊपर सोच विचार करके उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करके और आप उसको बेहतर कर देते तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि वो चीज़ क्योंकि आपके माइंड में होगा हो सकता है बेहतर हो जाए अगर अगली दफा नहीं भी होता हो सकता है ये प्रैक्टिस करते करते एक महीने एक साल बाद आप चीजें थोड़ी सी थोड़े से कॉन्शियस हो जाए थोड़ा सा अवेयर हो जाए कि हाँ ये ऐसा नहीं था ऐसा था और ये चीजें करने वाली ठीक है क्योंकि आप कभी भी वो चीज नहीं कर सकते जिसके बारे में आपको पता नहीं है ठीक है होती जा रही ऑटो पायलट में बट आपको पता नहीं है तो आप उसको प्रूव नहीं कर सकते लेकिन जब आप अवेयर हो जाएंगे तो लाइक like, अवेयरनेस के बाद अगली अगली चीज क्या होती है कि हाँ ठीक है अवेयरनेस हो गई ठीक है आप वो अमल नहीं कर रहे लेकिन आहिस्ता 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 करते हो सकते हो आपके अमल में खुद ब खुद शामिल होना शुरू हो जाए या एटलीस्ट आप थोड़ी सी एफर्ट करना शुरू कर दें कि हाँ जी मैं इसको इस तरह नहीं करूंगा और नेक्स्ट टाइम इस तरह करूंगा तो ये बहुत जरूरी है और अगर हम इवन इस्लाम का भी कॉन्सेप्ट समझे तो जो तकवा का कॉन्सेप्ट है तकवा क्या चीज़ है इज सेल्फ कॉन्शियसनेस अपने बारे में अवेयर होना और अपने बारे में पता होना कि हाँ जी ये जो है वो मैं कर रहा हूँ और अगर अगर मैं गुनाह कर रहा हूं, मुझे पता है कि मैं मैं ये कर रहा हूं, या गलत है या या जो भी वो है कि दिल में बुरा जान रहा हूँ या हाथ से रोक रहा हूँ या मतलब जिस जिस तरीके से लेकिन पता होना जरूरी है और उसकी अवेयरनेस जरूरी है अगर, और अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो उसकी भी अवेयरनेस जरूरी है ठीक है सो

बेटे का इंतकाल हुआ तो ही वॉज सैड वो, वो अफसरदा थे उनको रंज हुआ उनको दुख हुआ और उन्होंने वो कलमात कि अल्लाह तला जो है वो ह, ह, दिल बहुत गमगीन है लेकिन हम जब से कोई ऐसी चीज नहीं करते जिससे तू नाराज हो तो दिस इज एन एपिक एग्जाम्पल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस कि कैसे आप अंडरस्टैंड करें अपने इमोशंस को आप एक्नोलेज भी कर रहे हैं ठीक है नबी वसलम ने ये नहीं कहा कि मैं क्यों खफा हूँ या ये वीकनेस की निशानी है नहीं उन्होंने एक्सप्रेस किया उस चीज को उन्होंने कहा कि हाँ मैं उदास हूँ मेरा दिल गमगीन है लेकिन उसके बाद उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस का जो भरपूर मुजाहरा वो किया कि कोई ऐसी चीज नहीं कहूंगा जो अल्लाह ताला को नाराज करे ठीक है ये इसके बारे में सरसाइल भी बड़ी अच्छी बात करते होते हैं कि आपकी एक्सट्रीम इमोशन जो है आपका दुख आपका गम आपकी परेशानी या जो कुछ भी हो जाए उसमें अल्लाह के असूल नहीं बदलते होते ठीक है तो हम कभी कभार अपने आप को ये जस्टिफाई करते हैं ना कहते हैं कि मैं तो बहुत गुस्से में था और ऐसे तो हो जाता मतलब हम अपने आप को जस्टिफाई कर रहे होते हैं तो एटलीस्ट मतलब जस्टिफाई करना छोड़ दें अपने आप को कि हाँ अगर मैंने अगर मैंने सही किया तो किया अगर मैंने गलत किया तो गलत किया एक्नोलेज करें इस बात को समझें इस बात को और इस बात का अपने आप से कम अज कम इकरार कर लें क्योंकि देखें जब तक ये ये ऐसी चीज है कि ये किसी और के साथ आपकी लिंक नहीं है ये आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अपने साथ है ठीक है आपके लोगों के साथ जो मामलाते हैं उसमें है लेकिन आपके ऊपर सबसे ज्यादा मतलब आपकी अपनी जात पे इसका असर पड़ रहा है तो एटलीस्ट अपने साथ ऑनेस्ट होना सबसे पहले बहुत जरूरी है और अपने अपनी अपना जो भी इमोशन है या अगर उसमें मसला होता है या अगर आपको लगता है कि कहीं आपने इमोशनल इंटेलिजेंस का मुजाह नहीं किया तो उसको एक्नोलेज करें ठीक है ये ना करें कि अपने आप को माफ ना करें कि हाँ मैं तो हमेशा ही ऐसा करता हूँ या बिल्कुल नाहलिज्म में चले जाएं कि नहीं अब ये तो अब चीजें ठीक ही नहीं हो सकती या होप बिल्कुल जो उम्मीद है वो बिल्कुल ख़त्म कर दें कि नहीं मैं अब तो बिल्कुल ठीक ही नहीं हो सकता ऐसा नहीं है ठीक है अपने आप को इंसान समझे गलती हो सकती है लेकिन उसके साथ साथ अपने आप को और अपने साथ ऑनेस्ट भी रहें एक बड़ा एक एक बड़ा फाइन सा बैलेंस है जो अल्लाह ताला भी कहते हैं मेंटेन करने का कर, कि आपको एहसास हो के, के आपने आप कुछ कर रहे हैं जैसे तोबा का भी कॉन्सेप्ट यही है ना कि अगर आप तोबा करते हैं तो मतलब आप आप तोबा गलती कर सकते हैं और उसमें पर तोबा करें लेकिन साथ साथ आपको एहसास हो तो वो वो एहसास के वो बेसिकली सेल्फ कॉन्शियसनेस है ना कि हाँ यहाँ मुझसे गलती हुई कि यहाँ मैंने इसको चीज को ठीक नहीं किया और मैं इसको ठीक करूँ ठीक है और ये सेल्फ कॉन्शियसनेस आहिस्ता आसता विद प्रैक्टिस आती है कि आप आहिस्ता आहिस्ता मतलब जब डिफरेंट चीजों पर आप सोचते हैं मामला पे सोचते हैं उसके बारे में उस अपने ऊपर मेहनत करते हैं ठीक है तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये चीज आपकी अ, अ, अमल में आना शुरू होगा अच्छा कैटेगरीज ऑफ इमोशन वही जो हमने कहा कि प्राइमरी या बेसिक इमोशंस हैं जो आठ हैं और उसी से फिर सेकेंडरी जो इमोशंस बन रहे हैं जो मुख्तलिफ लाइक दो दो हो रहे हैं और उससे जो है वो इमोशंस बन रहे हैं मैं एक सेकेंड दोबारा चार्ट देख रही हूँ काफी सारे मैसेजेस आए हैं अच्छा रोना हेल्दी इमोशन है नहीं को, हर इमोशन हेल्दी है इन इट्सल्फ कोई इमोशन ऐसा नहीं है जो लाइक बुरा है या को, वो नहीं होना चाहिए था क्योंकि अगर कोई ऐसा इमोशन हो तो जो नहीं होना चाहिए था तो अल्लाह ताला आपको देते ही क्यों लेकिन बात यह है कि आप इस इमोशन को कैसे करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल गुस्सा अगर आप अपने मुसलमान भाई के साथ कर रहे हैं और किसी गलत बात पे कर रहे हैं तो वो देन वहां पे मसला आता है कि आपने उसको काबू पाना है या आपने वहां पे एम्पथी रखनी है या पे उसको माफ करना है या एक 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 बेहतर कोई उससे बेहतर इमोशन लेके आना है या कोई उससे बेहतर रिस्पॉन्स लेके आना है ठीक है लेकिन अगर आपको इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि इसराइल फलस्तिनियों को क्यों मार रहा है तो ये एक बहुत जस्टिफाइड इमोशन है अगर आपको नहीं आ रहा गुस्सा तो फिर एक मसला है ठीक है सो इन इट जैसे हमने लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि आग पानी ये सब चीजें जो है ये हमारी ये एक ये एक, ये एक टूल है ठीक है बिजली एक टूल है हम उसको अगर अपनी अपनी बेहतरी के लिए यूज कर रहे हैं तो वो हमें हमारे लिए बेहतरी करेगी लेकिन अगर हम उसको अपने खिलाफ यूज करें या वो एक्सेस में हो जाए या हमें हमें ये ना समझ आ रही कि हम इसे यूज कैसे करें तो ठीक है इसलिए ये चीज के इन इट कोई इमोशन अच्छा या बुरा नहीं है बल्कि इज अबाउट कि आप उस एग्जाम्पल को कैसे उस इमोशन को कैसे यूज कर रहे हैं ठीक है थीके? और वो उसको अच्छा या बुरा बनाकर नेक्स्ट स्लाइड कीजिए आगे कीजिएगा जी तो प्राइमरी इमोशंस की हमने बात की ठीक है हमारे वो इमोशंस है जिसको हम अपना कहते हैं कि ब्लू प्रिंट है हर इंसान के अंदर मौजूद है यूनिवर्सली आप पाकिस्तान के किसी इंसान को देख लें आप अमेरिका के किसी इंसान को देख लें आप दुनिया में कहीं भी किसी इंसान को देख लें हर इंसान के अंदर ये इमोशंस मौजूद होते हैं और वो किसी न किसी ट्रिगर से किसी न किसी चीज से उभर रहे होते हैं ठीक है हम डे टू डे लाइफ में देख रहे होते हैं कि कभी फियर जो है खौफ है गुस्सा है हैरान होते हैं हम ट्रस्ट है सेट हर चीज ये सारे इमोशंस आप देखते हैं ठीक है ये हमारे बेसिक इमोशंस हैं नेक्स्ट और फिर सेकेंडरी इमोशंस वो हैं जो थोड़े हमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता हम सीखते हैं लर्न करते हैं क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम कहते हैं ना छः हफ्ते में बच्चे जो है वो स्माइल करना शुरू करते हैं फिर इतनी एज में ये कर रहे होते हैं तो मतलब वो सारे इमोशंस पहले वो सीखते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके क्यों जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा जो ब्रेन है वो डेवलप करता है तो साथ साथ हम सेकेंडरी इमोशंस भी सीखते हैं और इसमें कुछ हद तक जो है वो आपकी जो इन्वायरमेंट होती है आपके माहौल होता है उस, उसके अंदर भी ज़ाहिर सी बात है वो चीज़ भी और आपकी जो तरबियत है जिस तरह आपको की अपब्रिंगिंग है वो चीज़ भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और साथ जो है वो आपकी बाजूक ऐसा भी होता है कि क्योंकि क्योंकि हम अपने वाले की औलाद होती हैं और बहुत सारे उनकी जीन्स हमने ट्रांसफर किए होते हैं उनकी पर्सनैलिटी के बहुत सारे हिस्से हमारे अंदर मौजूद होते हैं तो कुछ इमोशन ऐसे भी होते हैं जैसे आप कहते हैं ना कि ये ये काम ये बिल्कुल अपनी माँ की तरह करती है ये 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 जो है जब ये हंसती है बिल्कुल अपनी माँ की तरह का का एक एक्सप्रेशन आता है या इसका गुस्सा बिल्कुल अपने बाप पे तो वो इसलिए भी होता है क्योंकि कुछ कुछ हिस्सा वो होता है जो हमारी पर्सनालिटी के थ्रू हमारी शख्सियत के थ्रू जो है वो हमारे जीन्स में आया होता है और कुछ ऐसा होता है क्योंकि हम एक एक ही इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं तो वो लर्न भी हम कर लेते हैं हम लोग सीख भी लेते हैं तो ये वो इमोशंस होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता और थोड़े ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं जैसे छोटे बच्चों को नहीं पता होता कि हाँ जी होप क्या चीज है वो आहिस्ता आहिस्ता जब बच्चा बड़ा होता है जब उसका प्री फ्रेंटल जो दिमाग का अगला हिस्सा है वो डेवलप करता है तो उसके बाद उसको समझ आती है कि अच्छा ये जो है वो ये उम्मीद है ये प्यार मोहब्बत है या शर्मिंदगी से कोई कहते हैं छोटे बच्चों को ये चीजें नहीं पता होती तो ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करते हैं नेक्स्ट uh, अब ये वो फैक्टर्स हैं वो चीज़ें हैं और, और ये ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है बहुत सारे और भी चीजें होती हैं जो हमारे इमोशंस को जो है हमारे जज्बात को अफेक्ट करती हैं um, हमारा जनरली आमतौर पर मिजाज कैसा है कुछ लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत लाइक um, like, काम होते हैं बहुत ठंडे मिजाज के होते हैं आप आपका उस वक्त मूड क्या है कोई मसले मसाइल तो नहीं चल रहे आपकी जनरली पर्सनैलिटी कैसी है एक, एक, एक आपकी अपनी शख्सियत भी तो होती है ना क्या आपको पता होता है जैसे अगर बहन भाई है तो आपको पता होगा कि मैं अगर ये बात अपने फला भाई को बताऊंगी तो वो ऐसे रिएक्ट करेगा और अगर मैं इस बहन को बताऊंगी तो ऐसे रिएक्ट करेगी आपको एक आपके अंदर एक प्रेडिक्टेबिलिटी होती है क्यों क्योंकि आप बचपन से देख रहे हैं शायद कि वो ऐसा ही करते हैं हर दफा और अगर को, को, कोई कभी डिफरेंट कर लेता है तो आपको थोड़ी हैरानी होती है कि अच्छा मैं तो एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये ऐसा करेगा लेकिन इसने ऐसा किया कि इवन हस्बैंड एंड वाइफ हो गए बच्चे और पेरेंट्स हो गए तो उनको प्रिडिक्टेबिलिटी पता होती है कि हाँ जी मुझे पता है इसकी पर्सनालिटी का और मुझे पता है कि ये इस चीज़ को ऐसे रिस्पोंड करेगा और ज्यादातर हालात में वो कर भी रहा होता है और उसकी वजह वही होती है कि जो हमने पहले कहा कि ऑटो पायलट पे क्योंकि हम चल रहे होते हैं जैसे चीजें हमने शुरू से सीखी होती है हम उसी पैटर्न पे जा रहे होते हैं इला ये कि आप सेल्फ कॉन्शियसनेस में आए और आप उस चीज के बारे में अवेयर हो जाए कि अः नहीं मैंने इसको इस तरह नहीं करना और अब मैंने चेंज करना है और लोग और जब आप करते हैं तो फिर आपकी बात नोटिस भी की जाती है लोग आपसे पूछते भी है क्या बात है खैरियत है मतलब तुम दिस इज नॉट द वे यू आर ये ये तुम्हारी ऐसा मतलब तुम ऐसा नॉर्मली करते है तो नहीं हो इस तरह की चीज़ बे, बेशक वो अच्छा हो या बुरा हो ठीक है तो इसका मतलब एक एक हमारे दिमाग में इम्प्रिंट होता है एक एक होता है प्रिडिक्टेबिलिटी होती है कि ये बंदा ऐसे रिएक्ट करेगा ठीक है इसके अलावा डिफरेंट cultures होते हैं उसमें डिफरेंट तरीके से इमोशन का इजहार होता है जैसे आप देखते होंगे कि जनरली हम जो पाकिस्तानी हैं या देसी हैं हम बहुत जज्बात का इजहार हमारा बहुत ज़्यादा होता है हमारा एक्सप्रेशन लाउड होता है जनरली आमतौर तौर पर कि हम जो है जब खुश होते हैं तो बेनतहा खुश होते हैं जब खफ़ा होते हैं तो बेनतहा खफा होते हैं ये वाली चीज़ बहुत देखते हैं हम जबकि आप अगर अगर वेस्ट में देखते हैं तो उनको उनको जैसे अंग्रेजों को स्टिफ्ट अपर लिप नेशन कहा जाता है कि वो जनरली बहुत ज़्यादा खुशी या बहुत ज़्यादा गमी वाला नहीं करते एक एक थोड़ा सा उनका एक्सप्रेशन कम होता है एटलीस्ट हमसे तो बहुत कम होता है ठीक है सो ये कल्चरली भी होता है कि आपके कल्चर में किसी भी चीज़ के बारे में जज्बात का इजहार कैसे किया जाता है ठीक है और हमारे यहाँ भी अगर अगर हमारे यहाँ कोई जो है वो उस तरह का इजहार करेगा जो किसी और कल्चर में किया किया जाता है तो उसको हमारे यहाँ इन अप्रोप्रिएट करार दिया जाता है कहा जाता है कि ये ठीक नहीं है या उसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ तरह की चीज़ें आती हैं क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा क्यों है ठीक है तो हर कल्चर में डिफरेंट इमोशंस हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो इमोशन है वो आपको डैमेज ना करे आपको जो है वो तकलीफ ना दे और बाकी लोगों को तकलीफ ना दे और वो उनके लिए परेशानी का बायस ना बने ठीक है फिर हमें पता है कि वेदर जो है इफेक्ट करता है नॉर्मली हम देखते हैं कि विंटर्स होती हैं सर्दियां जो होती हैं उसमें थोड़ा सा लोग ज़्यादा डाउन होते हैं समर जो होती है गर्मियों में थोड़ा सा थोड़ा ब्राइट होता है तो थोड़ा सा ज्यादा चेयरफुल किस्म का थोड़ा खुशी वाला माहौल होता है या जो अम, अ, स्प्रिंग सीजन होता है उसमें फिर आपका अपना पर्सनली किस किस सिचुएशन में अगर आप एक एक दिन बाद आपका इम्तिहान है और आप इतने स्ट्रेस में और भाई आके आपसे कोई बहुत ही नामुनासिब किस्म की डिमांड कर रहे हैं कि मुझे ये कर दो तो आपका रिस्पांस डिफरेंट होगा अगर आप बिल्कुल कोई मसला नहीं है कोई काम नहीं है आपको तो आप आपका रिस्पांस डिफरेंट होगा तो स्ट्रेस एक बड़ा फैक्टर है अगर आप किसी चीज़ की वजह से ऑलरेडी टेंशन में परेशानी में है तो आप उसको जो है वो एक मुख्तल तरीके से डील करेंगे और स्ट्रेस फ्री होंगे तो जाहिर सी बात है वो वो, वो एक अलग उसका रिस्पांस होगा फिर आपकी एज पे होता है अमूमन हम देखते हैं कि वो जो टीन एजर्स होते हैं उनके अंदर एक, एक स्पेसिफिक सा एक क्राइसिस आता है जिसके अंदर वो बहुत ज्यादा अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रहे होते जिस एज में वो बच बचपन से लाइक बड़े होने की तरफ जा रहे होते हैं एक क्राइसिस सिचुएशन होती है उसको हम एडोलेसेंस क्राइसिस कहते हैं कि हर बात पे गुस्सा आ रहा होता है हर बात पे वो टेंशन में आ रहे होते हैं और वो ऐसा नहीं है कि वो कोई डिप्रेशन एन्जाइटी में उस तरह के होते हैं लेकिन वो वही है क्योंकि उनकी दुनिया बदल रही होती है उनको खुद समझ नहीं आ रही अपनी बॉडी बदल रही है दुनिया बदल रही है इर्ग गिर्द माँ बाप जहाँ पे जहाँ पे दिल करता है बच्चों में फिट कर देते हैं जहाँ दिल करता है बड़ों में फिट कर देते हैं तो वो एक एक, एक उस क्राइसिस सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं तो ज़ाहिर है वो उनके इमोशंस को अफेक्ट कर रहा होता है इसी तरह आप Uh, बच्चों के इमोशंस तो हमें पता है कि वो बहुत ही लाइक uh, like, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कह नहीं सकते कि वो कैसे किसी वक्त में बिहेव कर, करेगा इसी तरह बहुत ज़्यादा जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके अंदर जो है उनके इमोशंस जो है वो भी हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कभी कभार वो किसी बात में बहुत गुस्सा कर जाते हैं या एकदम से लाइक like, ऐसी चीज़ कर देंगे जो आपको आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होंगे तो एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है ठीक है और बाकी ख़वान जो है वो थोड़ा सा ज़ाहिर उनका एक मुख्तलिफ एक्सप्रेशन होता है कि किस तरह वो अपने गुस्से का इजहार करती हैं या किस तरह वो अपने इमोशंस का बताती हैं और मर्दों के अंदर एक मुख्तलिफ तरीके का होता है तो ये सारे वो फैक्टर हैं मेरे ख्याल हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं क्योंकि आई थिंक ये थोड़ा मोनोटनस हो रहा है तो खिज हम दो तीन सवाल ले लेते हैं फिर बाकी हम um, Uh, जी फराना शोर जैसे सूटेबल लगता है आपको मैं स्क्रीन आंसर कर दूं फिर Uh, मैं सवाल ले लेती हूँ uh, आप तुम्हें बता देती हूँ नाम शोर ठीक है आई थिंक शहबाज ने किया हुआ है शहबाज को अनम्यूट ओके okay. करिए जी शहबाज आपको अनम्यूट मैं ये पता करना था कि कि हम कि हम इस कॉल में केमिस्ट्री पढ़ेंगे पढ़ेंगे? या ये साइकोलॉजी नहीं नहीं हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे लेकिन वो थोड़ा देखेंगे टच करेंगे, बहुत नहीं, लेकिन, जरूर करेंगे और थोड़ा सा उसके हवाले से जो कि हमारी डे टू डे लाइफ की रिक्वायरमेंट है वो जरूर करेंगे इंशाल्लाह बट अभी नहीं okay? कुछ और आपने ओके okay. अच्छा जी आम आमना का सवाल है आमना आपको अनम्यूट करिए अस्सलाम वालेकुम मेरा वैसे एक क्वेश्चन था मैं पूछ सकती हूँ अभी इधर ठीक ही पूछ ले कॉलेजी के बारे से था तो मेरा क्वेश्चन ही था कि सम टाइम्स हम किसी की तरफ बहुत ज़्यादा फ़्रूड फ़ील करते हैं और उसने कुछ किया भी नहीं होता लेकिन ना मतलब तो हमें उससे फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन हो रही होती है तो हमें उसको कैसे कॉप करना चाहिए लाइक like, अजीब सी नफरत फील हो रही होती है हालांकि उस बंदे ने कुछ किया भी नहीं होता तो उसको हुँ. फिर कैसे किस आई तर... थिंक आम आपको देखना होता है इसको भी डायसेक्ट करना पड़ेगा कि अगर आपको नफरत या हेट्रेड का इमोशन फील हो रहा है तो वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम कहां से आपके पास वो चीज आ रही है मतलब ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप को, मतलब कोई ऐसी चीज हुई हो आपके साथ पास्ट में जिसकी जो आपको रिमाइंड हो रही है उस बंदे की वजह से या लाइक like, कोई और चीज है या कोई उसकी पर्सनालिटी का ऐसा एस्पेक्ट है जो आपको पसंद नहीं आ रहा आपको उसको डायसेक्ट करना पड़ेगा और आपको वही बात है ना कि सेल्फ कॉन्शियसनेस में लाके उसको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि अगर मुझे हो रहा है तो क्यों हो रहा है उसके पीछे थॉट क्या है उसके पीछे फीलिंग क्या है ये सब चीजें देखेंगे और फिर उसके अंदर मतलब उसके अंदर एक इनपुट वो भी होती है जो आपके पास्ट पासिस की होती है ये सब चीजें जब आप इससे कॉन्शियसली अवेयर होंगे तो तब आप इसको हो सकता है आप फाइंड आउट कर लें और हो सकता है ना कर सकें और अगर नहीं कर सकेंगे तो दैट इज व्हाट मतलब प्रोफेशनल हेल्प इज ऑल अबाउट या सीबीटी हम करते हैं जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर एक एक कोई ऐसी चीज हो रही है तो वो क्यों हो रही है या हम कहाँ से आ रही है तो वो वो, वो किया जा सकता है लेकिन ये कि आप खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं बस उसमें वही बात है सेल्फ अवेयरनेस को होना बहुत जरूरी है ठीक है जी रुमान अनम्यूट कीजिएगा अस्सलाम वालेकुम मैं मैं मुझे क्वेश्चन ये करना था समटाइम टाइम क्या होता है कि कुछ आर्गुमेंट में जो है कुछ लोग जो है वो रोना स्टार्ट करते हैं रोना शुरू हो जाते हैं से कि कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा हो फैमिली में हो या कहीं भी हो तो ये जो होता है जो जो रोना शुरू हो जाता है ये किस रीजन की वजह से हो सकता है ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से है या सम टाइम क्या होता है सुनने को मिलता है अक्सर के यू आर रोंग दैट्स वाई यू आर क्राइम तो क्या ये इस रीजन की वजह से होता है कि हम रोंग होते हैं और जब हमें पता होता है कि हम अपने आर्ग्यूमेंट को बैक नहीं कर पा रहे हैं तो हम रोना स्टार्ट करते हैं या ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है या जब आप हेल्पलेस फील करना स्टार्ट करते हो तब आ, तब जो है वो makeser, जो है है वो वो में अक्सर रोना स्टार्ट कर देते हो इसमें लाइक इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है या ये क्या रीजन क्या हो सकती है इसकी कि मैंने बहुत सारे आ, लोगों को देखा है कि वो आर्ग्यूमेंट में है जो है वो कुछ देर आर्ग्यूमेंट करते हैं देन वो रोना स्टार्ट कर देते हैं या उनके आ, जी ये ऐसा जो है है वो प्रॉब्लम okay. होती जी. देखिए ये इसका भी कोई एक एक स्पेसिफिक आंसर नहीं है कि अगर ये होता है अगर वो बंदा कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहा तो वो रोना शुरू कर देता है और या उसको जो है वो हेल्पलेसनेस फील हो रही है इट डिपेंड्स ऑन के उस बंदे की पर्सनालिटी क्या है और उसका कोपिंग वो कोप कैसे करता है ठीक है अगेन ये वाली जो चीज़ है इसको भी आपको डायसेक करना पड़ेगा हो सकता है कि वो इंसान हेल्पलेस फील कर रहा है दैट्स वाई उसको लग रहा है कि मेरा कोई पुरसान हाल नहीं है मैं कुछ भी नहीं कर सकता तो इस वजह से उसको रोना आ रहा है हो सकता है कि वो इतना को लेस कॉन्फिडेंट फील कर रहा है कि वो उसको रोना है कुछ लोग बहुत जब गुस्से में होते हैं तो उनको रोना आता है ठीक है सो ये एक एक्सप्रेशन है बेसिकली ये ये जो है जस ये वही वाली बात है कि ये एक सिम्टम है ऊपर आपने डायसेक करके अंदर देखना है कि बीमारी क्या है और उसकी जड़ पकड़नी है ठीक है सो आपको इसको डायसेक करना पड़ेगा दिखना पड़ेगा और ये हर बंदे के लिए एक चीज़ एक साइज फिट नहीं करता हर बंदे की क्योंकि अपनी पर्सनैलिटी होती है उसकी अपनी केमिस्ट्री होती है उसके अपने हालात होते हैं उसके अपने मामला होते हैं तो इसलिए हर सिचुएशन में ये चीज़ फर्क हो सकती है ये एक चीज़ नहीं होगी लेकिन ये जो आपने फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं कि इस कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है या शायद वो हेल्पलेस फील कर रहा है या शायद उसको लग रहा है सिचुएशन काबू में नहीं है या शायद वो बहुत वनरेबल फील कर रहा है कि हर बंदा मुझे अटैक कर रहा है

Uh, काफ़ी मरत एक टाइम आता है कि आप कोई काम कर रहे हो करने वाला है और उसको करते साथ आपको एक साथ ही ग्रेटिफिकेशन की फीलिंग आ जाती है आपने किसी का अच्छा किया और आप इतने इमोशनली हाई चले गए कि आप नहीं संभाल पा रहे अपने इमोशंस को और हर छोटी चीज के साथ इस तरह का होना लाइक एक साल से मैं अपने आप को एनाल कर रहा हूँ पॉइंट पे कि मेरे साथ ये चीज कुछ ज्यादा बढ़ गई है एक पॉइंट पे मैं बहुत ज्यादा टॉप होता हूँ एक पॉइंट पे दो बड़ी ओके okay. देखिए कंसिस्टेंसी होनी बहुत जरूरी है और कंसिस्टेंसी इसी तरह आती है कि आप यू ट्राई यू अर एंड देन यू यू स्टार्ट अगेन ठीक है क्या होता है कि आप और देखें वही बात है ना कि ये तो हमें इस्लाम से भी पता चलता है कि मतलब साहबा कर भी इस बारे में बहुत ज्यादा कंसर्नड होते थे कि हमारे ईमान जो हैं वो एक लेवल पे नहीं रहते और उन्होंने नबी पाक पाकलीसम से सवाल किया था कि हम कंसिस्टेंट नहीं होते अपनी चीज़ों के साथ मतलब जब यहाँ पे होते हैं आपकी महफिल में होते हैं तो वो एक मुख्तलिफ कैफियत होती है जब हम घर जाते हैं तो एक मिफ कैफियत होती है तो अम, मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा था ना कि अगर तुम्हारे ऊपर वो कैफियत रहे तो तुम्हारे मतलब फरिश्ते उतरे वो वाली चीज के हर वक्त हो, हो नहीं सकता ईमान जो होता है वो वैक्सिंग एंड एंडिंग पोजिशन में होता है वो स्टैटिक नहीं होता इट्स लाइक मर्ी वो कभी बहुत ज्यादा होगा कभी कम हो जाएगा ठीक है तो और और आप नेकी करते हैं आपको खुशी होती है क्यों क्योंकि नेकी फितरा की आवाज है तो जब आप फितरा की आवाज पर लब बैक कहते हैं आप नेकी करते हैं तो इट मेक्स यू हैप्पी ये बड़ी एक नॉर्मल सी चीज़ है अलबत् अगर आपको उस नेकी के ऊपर इफ़ यू फील प्राउड मैंने तो कर प्राउडी या मैं कहीं बढ़ गया हूँ या मैं अब तो जन्नत का हकदार बन गया और मुझे तो अल्लाह ने अब देनी ही देनी है तो देन वो वो वाली चीज जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती है आप नेकी करें और नेकी आपको खुश भी कर सकती है लेकिन आप अल्लाह तला से उम्मीद रखते हैं कि वो आपको उस नेकी का रिवॉर्ड देगा वो जो इनहेरेंट उसकी खुशी आ रही है वो तो वो तो वैसे ही रिवॉर्ड है उस दुनिया में उस चीज का रिवॉर्ड है लेकिन आप मतलब वो डिपेंड करते हैं ना कि आप किस नियत से वो काम कर रहे हो ठीक है और आपका जो है ईमान ऊपर नीचे होगा डगमगाएगा एक दिन आप एक लेवल पे होंगे दूसरे दिन हो सकता है आप नंबर टेन पे हो फिर आप जीरो पे पहुंच जाए लेकिन इंपॉर्टेंट चीज देखें अः एज लॉन्ग एज सांस आ रही है एज लॉन्ग एज आप दुनिया में रह रहे हैं एज लॉन्ग इज अल्लाह ताला ने आपको जिंदगी दी हुई है इसका मतलब है मोहलत चल रही है और जब मोहलत चल रही है इसका मतलब है कि फिर भी इम्प्रूवमेंट का चांस है टिल आखिरी सांस तक तो जब इम्प्रूवमेंट का चांस है तो हम बहुत जल्दी गिवअप कर देते हैं हम कहते हैं नहीं नहीं ये तो हमारे बस की बात नहीं है ये तो हम कर नहीं सकते हैं देखो हम हमेशा यही करते हैं ये तो हमारा पैटर्न है ठीक है पैटर्न है लेकिन मुसलमान मोमन कभी भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़ सकता अगर आप उम्मीद छोड़ के नाहलिज्म में जा रहे हैं ना नाहम का मतलब ये है कि नहीं अब कुछ नहीं ठीक हो सकता चीज़ें बस खराब ही हो रही हैं तबाही हो रही हैं तो उसका मतलब यह है कि वो आपको शैतान करवा रहा है ठीक है तो उस चीज़ में आपने नहीं जाना इवन अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक एग्जांपल ये कि फलस्तीन का मसला चल रहा है बहुत सारे मुसलमान नाहलिज्म में जा रहे हैं कि हम तो कुछ नहीं कर सकते हम तो हैं ही ऐसे ये वो नहीं ये अल्लाह ताला ने ठीक है एट वन टाइम अल्लाह ताला ने आपके सामने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रखी है और आपके ऊपर सवाल भी होगा लेकिन आपके सामने अपॉर्चुनिटी आई है आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं ठीक है ये भी बहुत बड़ी चीज है ठीक है फैक्ट कि अल्लाह ताला ने आपके सामने रखा है और आपको इतना एहसास दिया है कि आप कुछ करें तो अगर आप कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है या अपनी कैपेसिटी में जो चीजें हैं वो कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है मतलब फिर फिर मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है अल्लाह ताला कबूल कर लेंगे लेकिन एटलीस्ट वी आर डूइंग समथिंग हम कुछ कर रहे हैं लेकिन अगर आप नहीं कुछ भी नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल ही इसमें बैठ गए कि नहीं मैं तो मैं यहाँ के क्या कर सकता हूँ मैं कुछ नहीं कर सकता और बिल्कुल होपलेस हो गए वो नहीं कर सकते वो आपको अलाउड नहीं है ठीक है और जहाँ तक ईमान है वो कभी कम होगा वो कभी ज्यादा होगा ये डिपेंड करते हैं ये आपके हाथ में नहीं होता आप अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि हाँ वो ईमान में इजाफा करे बेहतर करे मजीद से मजीद तकबीय दे लेकिन ये ऐसा ही सफर है कि जहाँ पे हो सकता है आप दस कदम आगे दो कदम पीछे हूं, फिर पांच कदम होंच बट एज आप कंटिन्यू कर रहे हैं सफर आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं आगे की तरफ ज्यादा जा रहे हैं तो आई थिंक दैट्स फाइन ठीक है अच्छा वेलकम बैक टू जो uh, हमारी स्लाइड हैं uh, और नेक्स्ट uh, स्लाइड हम कोशिश करते हैं इसको जल्दी से रैपअप करें फिर बाकी जॉब के सवाल हैं तो और फिर वही बात है कि पॉजिटिव इमोशंस होते हैं हमें पता है नेगेटिव इमोशंस होते हैं जनरली हमें अल्लाह ताला पॉजिटिव इमोशंस को इन्वोक करने का हुक्म देता है नेगेटिव इमोशंस से हम अवॉइड करने के कहा जाता है लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है जैसे अगर आप अगर आप यही फलस्तीन वाला मसला है और आप गुस्से में हैं आप दर्द की कैफियत में हैं तो बड़ा जस्टिफाइड इमोशन है और अगर आप किसी को तकलीफ देके खुशी में हैं तो वो जस्टिफाइड इमोशन नहीं है तो पॉजिटिव या नेगेटिव भी उसके कॉन्टेक्स्ट में बेहतर लगता है या समझ में आता है कि उस कॉन्टेक्स्ट में आपका अप्रोप्रिएट बेहतर इमोशन कौन सा होना चाहिए था क्या वो इमोशन जस्टिफाइड है या नहीं है ठीक है नेक्स्ट ये बेसिकली वही है इमोशंस पॉजिटिव हैं नेगेटिव हैं इसके अंदर बहुत सारी असल में मकसद ये है कि आपकी जो इमोशनल लिटरेसी है वो बढ़ेगी जो तो नेम करने की सलाहतो जितने आपको पता होगा इमोशंस के हवाले से आपको उनके नाम पता होंगे ऐसा हाँ, तो नहीं है कि अगर आपको नाम नहीं पता तो, आप फील नहीं Sometimes हम बहुत तो उनको नाम देना जरूरी है और इसीलिए या, या आप अपने ओन पे भी पढ़ सकते हैं हमने थोड़ी सी बात कर ली लेकिन इसको आप डिटेल में भी देख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट ठीक है अच्छा अब हम ये एक बेसिक सी एक, 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 एक आ, डायग्राम बनाई हुई है उन्होंने जिसमें वो कहते हैं कि अगर मतलब एक से ज़्यादा कंडीशन मिल जाए तो क्या हो सकता है जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कम गुस्से में एक बहुत रिलैक्स हालत में है, लो अराउजल पे ठीक है वहाँ से आप हाई अराउजल की तरफ जा रहे हैं ठीक है और नीचे जो उन्होंने दिखाया हुआ कि एक बहुत अच्छी कैफियत है और बहुत बुरी कैफ़ियत है तो अगर आप लोअ अराउजल पर यानी बहुत रिलैक्स स्टेट में और एक खुशी की कैफियत है तो रिलैक्स स्टेट में होंगे ठीक है और अगर आप एक लो अराउजल में है या बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में है और अच्छी कैफियत नहीं है तो वो एक सैड कैफियत हो सकती है तो इसकी बेसिस में वो बताते हैं कि कैसे इमोशंस आपस में मिक्स होकर एक एक सिचुएशन में आ, कोई भी कोई भी चीज क्रिएट करते हैं यानी उसका पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव हमें पता होना इसलिए जरूरी है कि अच्छा अगर एक सैड पॉजिटिव होगा तो वो क्या होगा और अगर एक एक खुशी वाला पॉजिटिव होगा तो वो क्या होगा शायद खुशी में खुशी में आप पॉजिटिव हो तो आप एक इतमान की कैफियत में हो अगर आप उदासी में है और 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 एक रिलैक्स स्टेट में तो शायद आप उदासी में है और एक नेगेटिव कैफियत में तो शायद वो एक उदासी वाली कैफियत सॉरी लो अराउजल में है या एक रिलैक्स स्टेट में है और नेगेटिव कैफियत तो बहुत ही बिल्कुल डिप्रेस हो गए हैं तो ये बेसिकली इस इस इसमें कोई अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो परेशानी की बात नहीं है बस ये मैं ही दिखाना चाह रही थी कि इमोशंस आपस में ब्लेंड करते हैं पॉजिटिव है और जो है रिलैक्स्ड है तो क्या होगा पॉजिटिव है और हाई है तो क्या होगा दैट्स इट ठीक है नेक्स्ट अच्छा अब हम हमें कैसे पता चलता है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इमोशंस क्या है अगले बंदे के ठीक है आपको अल्फाज पे जैसे आपसे कोई बात कर रहा है कोई भी आपस में दो लोगों का आर्ग्यूमेंट हो रहा है दो लोगों की नॉर्मल बात हो रही है आप क्या एनालाइज कर रहे होते हैं क्या चीज देख रहे होते हैं कि okay. आप uh, उस बंदे की वो बात कैसे कर रहे हैं उसकी और और बात करने में भी, भी उसकी टोन कैसी है उसका उस वो बहुत लाउड तो नहीं हो रहा कम लाउड है बहुत ही ज़्यादा हल्का स्लो तो नहीं हो रहा आ, उसकी मतलब फ्लो कैसा है उसकी बात करने का ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं मतलब ये वो चीज़ें जो हमारा दिमाग खुद ब खुद नोटिस कर रहा होता है फिर वो वो एक तो वो है जो वो बात कर रहे हैं एक जो उसकी बाकी चीज़ें उसके चेहरे के एक्सप्रेशन हैं उसकी जो जो उसके जेस्चर्स हैं जिस तरीके से वो बात कर रहा है उसका जो बॉडी का पोस्चर है जिस तरह से वो मतलब ओवरऑल जो चीजें हैं ना वो उससे हम देख रहे होते हैं कि ये ये कैसे um, मतलब क्या इमोशन है बाज लोग कोई एक बात कर रहे होंगे आपको लग रहा हो कि हाँ देखने में तो ये सही बात कर रहे हैं लेकिन लाइक यू नो दिस समथिंग रॉन्ग कोई मसला है वो कैसे हम परसीव करते हैं वो कैसे हम पता चलाते हैं क्योंकि आपको लग रहा होता है उसकी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है जो वो बातों के बगैर अपनी um, आंखों के एक्सप्रेशन से अपने हाथों की मूवमेंट से जो पूरा कर रहा होता है वो उससे पता चल रहा होता है कि नहीं ये 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 कह तो रहा है लेकिन असल में इ डज एन मीन इट क्या उसका ये मतलब नहीं है ठीक है सो इस तरह हम इमोशंस को परसीव कर रहे होते हैं नेक्स्ट ठीक है और फिर वही बात है कि इमोशंस होती हैं बेसिकली हमारा इम्प्रिंट होता है दुनिया पे हमारे अंदर मौजूद होते हैं हार्ड वर्ड का मतलब है कि हम उसको निकाल नहीं सकते ठीक है नो मैटर वट और आप किसी चीज़ को निकाल नहीं सकते तो उसका मतलब है यू हैव टू लिव विद इट आपको उनके साथ रहना है और अगर उनके साथ रहना है तो उनको अपने दुश्मन बनाने के बजाय उनको अपना दोस्त बना लें उनसे दोस्ती कर लें उनको मैनेज करना सीख लें और फिर वही मिसाल के बहुत सारी चीजें होती हैं जो जिनसे आप अगर दोस्ती कर ले तो वो आपके लिए बेहतर हो जाती हैं बनस्बत यह कि आप उनको अपना दुश्मन बना लें और उनको अपने खिलाफ इस्तेमाल होने दें तो और उसके लिए सबसे पहले दे, देखें जैसे आपने अपने आपको किसी को अपना दोस्त बनाना है तो वट डू यू नीड टू डू आपको उस बंदे को समझना जरूरी है ठीक है इसलिए आपने अपने, अपने जज्बात को अपना दोस्त बनाना है तो सबसे पहले उनसे उनको समझना जरूरी है उसके बाद आपने ये देखना है कि अगर मैं ये कर रहा हूं तो मैं क्यों कर रहा हूँ ठीक है एक वाई क्वेश्चन होता है और उसके बाद फिर आप डिग डाउन करते जाते हैं करते जाते हैं करते जाते, जाते हैं और उससे आपको आसा आस्ता अपने बारे में अवेयरनेस होती जा रही है तो इमोशन यूनिवर्सल होते हैं हर बंदे के डिफरेंट होते हैं एक ताकत होती है एनर्जी मोबिलाइजेशन है एक एक साइकोलॉजिकल एनर्जी है उसने कहीं ना कहीं जाना है हमारी कोशिश ये होती है कि अगर हम इमोशनली इंटेलिजेंट हैं तो हम उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाएं और इस डायरेक्शन में लेके जाएं जो हमारी अपनी बेहतरी का बायस हो और लोगों की बेहतरी का बायस हो बन ये कि हमारी डिस्ट्रक्शन भी हो रही हो हमें भी नुकसान हो और लोगों को भी नुकसान हो रहा हो और हमारी हमारी जो सोच होती है हमारी जो परसेप्शन है हमारी जो दुनिया के बारे में सोच है उससे निकलते हैं ठीक है थीके? इसकी मिसाल ये है कि दुनिया में हो सकते एक एक ही चीज़ दो लोगों के साथ हो रही हो ठीक है जैसे अगर किसी ने वाल साहब ने दो बच्चों एक ही बात कही ठीक है अब एक ने परसीव किया एक ने ये सोचा कि ये तो मेरे साथ बहुत ज़्यादी हो गई

जो भी या, या किसी किसी भी बारे में जो भी हमारा अंदाजा होता है वो हमारी अपनी सोच और अपने नजरिए पे डिपेंड करता है ठीक है और इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं अपने आप को इन्फॉर्म करके वही रिफ्लेक्ट करके सोच के देख के एनालाइज करके हम कर सकते हैं ठीक है इमोशन के साथ कोई ना कोई मोटिवेशन होती है कि या तो वो एक अच्छी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है या वो एक नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है या उसकी वजह से हमें मतलब कोई ना कोई कुछ ना कुछ उससे हमें मिल रहा है या कुछ ना कुछ हम एटलीस्ट अपनी एनर्जी है उसको निकालने की कोशिश करें जैसे अगर गुस्सा है तो गुस्से को हम निकालने की कोशिश करें या अगर खुश है तो एक एक मोटिवेशन है उसके पीछे ठीक है उसकी वजह से हमें इमोशंस जो है वो फील हो रहे हैं और फिर हमने कहा देखा कि बहुत ज़्यादा एक रेंज है इमोशंस की सिर्फ एक दो चार जो हम नॉर्मल अपनी आम जिंदगी में इमोशंस uh, बता रहे थे वो नहीं है बल्कि उनसे बहुत ज़्यादा है ठीक है और बाहर की हमारे अपनी अंदर की सिचुएशंस और बाहर की सिचुएशंस इसको अफेक्ट करती हैं नेक्स्ट स्लाइड ठीक है uh, और क्यों इमोशन जरूरी है हमने इस बारे में बार बार बात कर ली हमें हम हम जो काम कर रहे होते हैं अक्सर ये जो चीजें हम दुनिया में कर रहे होते हैं जो हमारे बिहेवियर्स होते हैं उनके पीछे बहुत तक हद तक हमारे जज्बात होते हैं ठीक है उसको वो इन करते हैं उसको वो जो है वो बार बार आ, सामने लाते हैं क्यों क्योंकि वो जो एनर्जी हमारे अंदर होती है हम उसे कहीं कहीं ना कि, किसी की फॉर्म में वेंटिलेट करना होता है हमारे जो नॉर्मल मामला होते हैं लोगों के साथ तालुकत होते हैं उसको रेगुलेट कर रहे होते हैं फिर हम आपस में जो बात कर रहे होते हैं या जो हमारी नॉन वर्बल जो बातों के बगैर बाकी कम्युनिकेशन है उसके ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं बच्चों के पेरेंट्स के जो रिलेशन uh, है उसके अंदर असरअंदाज हो रहे होते हैं और ओवरऑल हमारी जो भी मतलब हमारा किसी के साथ इंटरेक्शन है ज़ाहिर है तो उसके अंदर अगर एक एक नेगेटिव इमोशन आएगा तो हमें भी बुरा फील करवाएगा उस बंदे को भी अगर अच्छा इंटरेक्शन है तो हमें भी अच्छा लगेगा उस बंदे को भी अच्छा लगेगा तो इस तरह ओवरऑल ज़ाहिर है हमारी क्वालिटी जो ज़िंदगी के उसको बेहतर कर रहे होते हैं या, या मजीद बुरा कर रहे होते हैं नेक्स्ट अच्छा अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हम आ, हमारा टाइम ज्यादा हो रहा है इसको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ ठीक क्यों है क्योंकि हम इमोशंस के टॉपिक को थोड़ा सा वो करना चाह रहे हैं कि आप लोगों को क्लैरिटी हो उसके बाद हम सवाल लेते हैं इस पर ये वाला कॉन्सेप्ट करके फिर हम स्टॉप कर देंगे कहाँ से आते हैं इमोशंस किसी ने भी केमिस्ट्री की बात हुई थी तो देखें जब भी हम किसी चीज को लेते हैं तो हम कहते हैं कि कहीं ना कहीं से तो आ रही है जैसे धड़कना किसका काम है दिल का काम है ठीक है तो वो हार्ट से आ रहा है हजम करना किसका काम है वो मेदे का काम है ठीक है इमोशंस किसका काम है दिमाग का काम है तो दिमाग के अंदर एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जिसके ये नाम है आपको नाम याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इसको लेकिन हम बस हम कहते हैं इमोशनल सर्किट या इमोशनल सर्किटरी कहते हैं ठीक है थीके? और वो हमारा इमोशनल ब्रेन होता है तो हमारे दिमाग के तीन हिस्से होते हैं और उसमें से एक इमोशनल ब्रेन है जो हमारी जज्बात वाला दिमाग है एक हमारा लॉजिकल ब्रेन है जो हमारी सोच समझ से रिलेटेड है जिससे हम जो है वो सही फैसले कर रहे होते हैं या समझ रहे होते हैं चीजों को उनके अंदर उन, उनके बारे में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर गौर कर रहे हैं वो है और तीसरा जो है वो है जो हमारी ज, जो जिसमानी फंक्शन है जो जो काम है वो कर रहा है जैसे सांस लेना ब्लड प्रेशर ये सारी चीजें जिसम को मेनटेन करना ये सारे काम कर होता है नेक्स्ट अच्छा ये देखिए ये जो आप दरमियान में देख रहे हैं ये जो कलर्ड पोर्शन है ये हमारा इमोशनल ब्रेन है बेसिकली हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं ऊपर वाला जो इसका सारा ब्रेन है वो हमारा रैशनल ब्रेन है या जो हमारा सोचने वाला ब्रेन होता है और नीचे एक छोटी सी जो आपको डंडी सी नजर आ रही है ये हमारा जो बॉडी से रिलेटेड ब्रेन है या जो हमारी बॉडी की जो डिफरेंट चीजें होती है उसको कंट्रोल कर रहा होता है लेकिन कहने का मकसद ये कि सबसे ऊपर हमारा सोचने वाला दिमाग होता है दरम्यान में हमारा जज्बात वाला पोर्शन होता है और सबसे नीचे जो होता है वो हमारा जिसम से रिलेटेड जो पोर्शन होता है नेक्स्ट अच्छा हाँ अच्छा होता ये है जज्बात का एक बहुत बड़ा ये ये एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं हम लिंबे खाई जाए यानी हमारा जो दिमाग का ब्रेन का वो पोर्शन है जो कि जज्बात से रिलेटेड है वो वाला ब्रेन इमोशनल ब्रेन जो है वो करता यह है कि जब हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो वो हमारा जो ऊपर वाला सोचने समझने वाला दिमाग है उसको डिसेबल कर देता है उसको डिसेबल करने से होता है क्योंकि बासूगात ऐसा होता है ना कि आप सोचते हैं कि मैंने ये काम जज्बात में आके कर तो दिया बट ये मैं नॉर्मली ऐसा ना ना करती तो मैंने क्यों किया आप सोचते हो या किसी और के बारे में आप सोचते हो कि तो वो उससे भी इतना ऐसा हो गया कि उसने ये कर दिया तो ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है कि जब इंसान बहुत ज्यादा ओवरवेलम हो जाता है बहुत ज्यादा जज्बात भरते जा रहे हैं भरते जा रहे हैं ऐसे ही है कि जैसे एक बाल्टी है और वो पानी उसमें भरता जा रहा है भरता जा रहा है तो एक टाइम आएगा कि वो उससे छलकेगा और वो छलक के कहीं तो उसने जाना है ठीक है तो अब वो क्या करता है कि वो भरता जा रहा है भरता जा रहा है और वो ऊपर वाले हिस्से को नॉकआउट कर देता है ठीक है जिसको कहते हैं हम लिम्बिक हाईजैक यानी कि लिम्बिक सिस्टम ने या जो हमारा दिमाग का इमोशनल पार्ट है उसने ऊपर वाले हिस्से को हाईजैक कर लिया अब वो ये आप रेड वाले में देख रहे हैं अब देखिए इसके अंदर जो ब्लू वाला है इसमें कॉर्टेक्स भी काम कर रहा है नीचे जो इमोशनल ब्रेन है वो भी काम कर रहा है ब्रेन स्टेम जो है वो जो बॉडी से रिलेटेड है वो भी काम कर रहा है तो इंसान सही सोच रहा है नीचे से कोई चीज आ रही है ऊपर जा रही है इमोशनल ब्रेन से होकर आपके कॉर्टेक्स में जा रही है कॉर्टेक्स में सोचा जा रहा है कि मैं ये कर सकता हूँ वो ऐसा कर सकता हूँ लेकिन ये ये नॉर्मल स्टेट है ये वो आपकी लो इमोशन स्टेट है जब आप हाई इमोशन स्टेट में गए कोई भी इमोशन बहुत ज्यादा हद से बढ़ गया तो क्या हुआ कि आपका जो हायर कॉर्टेक्स है उसको उसने डिसेबल कर दिया अब वो डिसेबल करने से हो क्या रहा है कि वो तो काम ही नहीं कर रहा तो नीचे वाला जो ब्रेन है वो मुस्तक बस अब उसमें से ही जो जो भी चीजें आ रही हैं वो आई जा रही हैं ठीक है थीके? तो उसका मतलब ये है कि जो आपकी सोचने समझने की सलाहियत है वो मफकूत हो जाती है वो समझ नहीं पाती है और आप फिर वही कर रहे होते हैं जो आपको जज्बात में समझ आ रहा होता है ठीक है इसीलिए गुस्से को हराम करार दिया गया है इसीलिए एक्सेसिव इमोशन से बचने को कहा गया है हद से ज्यादा खुशी हद से ज्यादा गम हद से ज्यादा गुस्सा हर चीज को हद से ज्यादा नेसेस इस्लाम मना करता है और बैलेंस करने करके लेके चलने का कहता है ताकि ये चीज ना और ताकि हम इमोशन के अंदर जो है इतने बह ना जाएं कि हमारा हायर जो कॉर्टेक्स है वो डिसेबल हो जाए और हम सिर्फ जज्बाती फैसले कर रहे हैं नेक्स्ट आई थिंक ये वाला थोड़ा सा मतलब इससे कॉम्प्लेक्स है तो इसलिए हम इसको नेक्स्ट टाइम कर लेंगे Um, अभी हम लोग सवाल ले लेते हैं एंड एंड we'll और अगर कोई कि, किसी की सजेशन है um, क्योंकि तो नहीं पढ़ पाई तो वो प्लीज फीडबैक फॉर्म में दे दें इनशाई टू केटर इट सवाल ले लेते हैं um, जी फीडबैक फॉर्म आपने चैट में डाल दिए हैं या कहाँ से मिलेगा निको? अभी 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 डाल मैंने अभी लिंक डाला है मैं दोबारा पेस्ट कर रहा हूँ ठीक है जी काइंडली फीडबैक फॉर्म प्लीज जरूर फिल कर दीजिएगा चैट बहुत फास्ट मूव कर रही थी तो इसलिए हमें समझ नहीं आती बहुत सारी डिफरेंट तरह की ऑडियंस होती है कुछ लोग पहली दफा सुन रहे होते हैं कुछ लोगों ने पिछले सेशन लिए होते हैं कुछ का साइंस बैकग्राउंड है कुछ का नहीं है हमने सबको साथ लेके चलना है तो इसलिए जरूरी ये है कि आप हमें कम्युनिकेट कर दें आप हमें बता दें कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है आपको क्या चीज़ समझ आई है नहीं आई जो भी कमेंट्स हैं आपके अपने वो आप जरूर दें ताकि फिर ये कि उसके बारे में हेल्प कर सकें आपको अगर नहीं देंगे तो हम हेल्प नहीं कर सकेंगे तो so इसलिए प्लीज फीडबैक फॉर्म फिल कर दीजिएगा जी खुरम आप जी 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 वालेकुम अस्सलाम मैम मैं, मैं मेरा क्वेश्चन लास्ट सेशन के रिलेटेड है आपने मुझे तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही खुरम काइंडली आप क्लियर है जी जी अब थोड़ी बेहतर है बताइए मैडम लास्ट टाइम आपने एक कुरान कैद को की थी वकुलु कौलन सदीदा

जब हज़र बबरदीक अबरदीक़्हाँ के साथ सिर्ण सिर्ण ट्रेवल कर रहे थे मदीना की तरफ तो कुरेश नेलम ने की आ, को जिंदा पकड़ने में डेथ उनकी डेथ मतलब उनकी बॉडी को लाने में उन्होंने इनाम रखा हुआ था कि सो सौ ऊंट दिया जाएंगे उन लोगों को उनको तो पकड़ लेके आएंगे एंड द लास्ट स्टेज में एक ग्रुप मिलते हैं उनको हजरत बकर बकरी को जो कि मदीना से नहीं होता जो कि बक्का मदीना से नहीं होता से होता है वो बंदा सिर्फ सिर्फरत बकर को जानता होता है

और जो जनरल लाइफ है नबी पाक की सब राम रद्ला की उसमें एज ए रूल ये देखते हैं किलू कव सदीदा चाहे जितना बड़ा नुकसान हो जितना मर्जी जो भी हो वो हम Um, मतलब उसको उसी तरह करना है ठीक है लेकिन देर आर अलैहि वसल्लम ने कोट किए हवाले कोट किए और इसी तरह नबी वसल्लम ने कहा कि जंग में आपने अम, जो है वो दरख्तों को नहीं जलाना चीजों को कुछ भी नहीं करना बट देन जो हम उनकी खैबर में जंग हुई थी उसमें उन्होंने फसलें जलाई ठीक है so, सो द थिंग इज के ये ये एक्सेप्शन जरूर है हर जगह पे हर चीज में

कि आपने हक और सच का साथ ही देना है एक्सेप्शन आपको हर जगह नहीं मिलती कहीं कहीं मिलती हैं। हैं। हैं, और exceptions तो आपको आपको में में भी मिलती मिलती दुनिया में हर जगह ठीक है और so, इसी तरह इस्लाम में भी जो तो चंद बातें की हैं, these are exceptions, these are not rule. तो हम जो अपनी रूलिंग निकालेंगे से नहीं निकालेंगे हम रूल से निकालेंगे okay? थीको गए, थीको गए, थीको गए, Other way. General rule man you you have to to no, go with, no, but then you need to know they knew इस पे हम ये कर सकते हैं। अगर बींग मुस्लिम आई डो नॉट फाइंड माई सेल्फ सो क्वालिफाइड कहूँ कि हाँ मैं यहाँ पे रूल या एक्सेप्शन फॉलो करूँ आई आस्क समेबल इनाफ तो इफ यू फील कि आपको लगता है कि ये चीज उसी 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 पेराये में है

मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हजरत मोहम्मद वो अपने गुस्से के साथ जो है वो गुस्से को किस तरह से मैनेज करते थे जब वो किसी को इस तरह देखती फिर क्रिटिसिज्म को किस तरह से वो मैनेज करते थे गुस्से को तो ऐसे मैनेज करते थे जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें बताया ना कि अगर आपको गुस्सा आए तो आपने अगर अगर खड़े हुए हो तो बैठ जाओ बैठे हुए हो तो लेट जाओ वजू करो तो बेसिकली अगर हम साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो दिस इज लाइक डिस्ट्रैक्शन टेक्निक जनरली देखिए आप जब भी आपका जो भी इमोशन होता है जैसे फॉर एग्जांपल एंगर एंगर भी बहुत शॉर्ट लिव्ड इमोशन है ठीक है अगर उस मौके पे एट दैट पॉइंट इन टाइम यू आर एबल टू डिस्ट्रैक्ट जैसे हम साइकोलॉजिकल बहुत सारी टेक्निक्स टेक्निक होते हैं कि अपने माइंड में एक स्टॉप 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 मेंटल लगाएं टू थ्री फोर फाइव तक दिमाग में कैलकुलेट करें और उसके बाद आगे मूव करें या कोई भी टेक्निक यूज करते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट वही है जो हमें नबी अक्सर ने भी बताया कि ये नहीं तो ये करो कि आपने आपको डिस्ट्रैक्ट करें क्योंकि उससे ये हाफ लाइफ बहुत छोटी होती है वंस आप अपने उस हाफ लाइफ को गुजारने के काबिल हो गए हो तो वो गुस्सा उतना आपको बॉदर नहीं करेगा द ओनली थिंग इज कि आपने वो जो पीक है उसको गुजार देना है ठीक है so, सो वही बात है कि डिस्ट्रैक्शन टेक्निक आप यही करें कि अगर खड़े हुए हैं तो बैठ जाए बैठ गए तो लेट जाए वजू कर लें लाइक यू नो यू नीड टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ एक तो गुस्से की बात दूसरा क्रिटिसिजम uh, जो है ना उसका आगे uh, हमने इसी uh, उसमें था बट हमने भी वो कवर नहीं किया फीडबैक आपको बींग अ मुस्लिम यू हैव टू ऑफर योर सेल्फ और फीडबैक कि आप लोगों से लें फीडबैक बार बार अपनी और फीडबैक का फायदा क्या होगा देखिए जैसे जब आप किसी से कोई आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि आप बड़े अच्छे लग रहे हैं आप बड़ा आपने बड़ा अच्छा काम किया है तो आपको खुशी होती है जब कोई क्रिटिसिज्म करता है तो आपको अफसोस होता है लेकिन फीडबैक के बारे में अच्छी बात यह है कि ना ये आपकी तारीफ है ना ये तनकीद है ये ऑनस्ट ऑनेस्ट एक्सप्लेनेशन या ऑनेस्ट ट्रूथ है आपके बारे में या जो चीज़ आपको लाइक यू नो जो आप कर रहे हैं आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसी के बारे में बात होगी तो उससे होता क्या है आ, कि ये आपको बेहतर बनाती है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही हमें ये बात सिखाई है कि हम बार बार अपनी जो जो फीडबैक है वो लें हम हम लोगों से जो लोगों के मतलब लोगों के जो मामलात हैं हमारे साथ उनसे हम पूछें के, मतलब आर वी डूइंग इट ओके आर वी फाइन जो फीडबैक लेने का मकसद है वो यही है कि इसका मकसद ना तनकीद है ना उसको तारीफ करना है तो मेरा ख्याल है नबी वसल्लम तो आउट ऑफ ऑल पीपल वो इतने अवेयर और इतने सेल्फ कॉन्शियस थे कि मतलब वही बात है पैगम्बरों की मैट्रिक्स और है शायद एक आम इंसान उतनी तनकीद ना बर्दाश्त कर सके या उतनी उतना फीडबैक को या उतनी चीज़ को ना कर सके लेकिन उनके अंदर मतलब वही बात है क्योंकि वह हाइस्ट लेवल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस पे थे ही डेड दैट तो वो उस, उसका उसका वही तरीका है कि आप अपनी फीडबैक लेना शुरू करें लोगों से आप ऑनेस्टली अपने ऊपर काम करना शुरू करें आप अपनी चीज़ों पर रिफ्लेक्ट करना शुरू करें जो वही जो हमने शुरू में तकवा वाली बात की और आहिस्ता आहिस्ता करके आपके अंदर और अपने साथ ऑनेस्ट हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता करके जो है यू यूल गेट देयर इंशाल्लाह इनशाला जाहिर सी बात है वो लेवल तो शायद हम ना अचीव कर सकें क्योंकि वो एक पैगंबर थे हम आम इंसान हैं लेकिन एटलीस्ट हम इतना कॉन्शियस हो सकते हैं कि अपने मामला को बेहतर बना दें ओके अस्सलाम वालेकुम जी आपने जिक्र किया प्री कॉर्टेक्स का और मुख्तलिफ ब्रेन पार्ट्स का जो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस को ट्रिगर करते हैं तो मेरा एक क्वेश्चन था कि कोई ऐसा ट्रिक या कोई ऐसी टेक्निक है मतलब कि आपके नेगेटिव इमोशंस जस्ट फॉर से ट्रिगर ही हो या आ, मतलब लोगों को इस चीज से एड्रेस आपके कोई टेक्निक्स हैं जिसके आप आ, इन इमोशन से बच सकते हैं मतलब या कुछ इस हवाले से बता दें थैंक यू आप क्यों आप क्यों नेगेटिव से बचना चाह रहे हैं मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर एक इंसान है वो उसके नेगेटिव इमोशंस लेट से ट्रिगर हो ही नहीं रहे

पॉजिटिव कैफियत ट्रिगर करते हैं जैसा कि जॉय हो गया जैसा कि कोई भी इतमान की कैफियत हो गई होप हो गई ये सब चीजें और कुछ चीजें हैं जो हमें थोड़े नेगेटिव उसमें ले जाती हैं एक मेंटल स्टेट में या साइकोलॉजी में ले जाती हैं जैसा कि एंगर हो गया या जैसा कि आपका उदासी हो गई ये सारी चीजें लेकिन itself, इन इट इनमें से कोई इमोशन अच्छा या बुरा नहीं है ये सारे इमोशन हमें रिक्वायर्ड है एज ह्यूमन बींग ठीक है मतलब अगर वही बात है कि अगर आपके सामने किसी को कोई कुछ कह रहा है और आपका गुस्सा नहीं मतलब किसी मुसलमान भाई को कुछ कह रहा है और आपका गुस्सा एक्टिव नहीं हो रहा ट्रिगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब है समथिंग रॉन्ग विद यू इसका म, मतलब बात यह है कि अगर सिर्फ पॉजिटिव इमोशन जिंदगी में चाहिए होते तो अल्लाह तला नेगेटिव इमोशंस देते ही क्यों हमें वो इमोशंस भी चाहिए द ओनली कोई इमोशन इन इट अच्छा या बुरा नहीं होता बात यह कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं okay i hope that makes sense ji um asia assalam alaikum wa alaikum assalam uh, meri was सॉरी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही जी मैम अभी आवाज आ रही है जी जी अभी आ रही है अच्छा मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि कभी कभी इस तरह होता है ना कि हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं ना कुछ लोगों से और हम मतलब इस लेवल तक वो अटैच हो जाते हैं ना कि हमें रोंग और राइट का भी सीन जो है ना वो हमारे दिमाग से हट जाता है हमें नहीं समझ आ रही होती कि हम रोंग साइड पे, है, right पे हैं राइट साइड पे हैं तो फिर कैसे हम इन चीजों को जो है कंट्रोल कर सकते हैं मैम जैसे के हम मतलब किसी के साथ भी कोई चीज हो गई किसी इंसान के साथ अटैच हो जाते हैं नहीं। 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 तो ये है कि मतलब पीक लेवल पे हमारे जो है ना वो इमोशंस होते हैं उसके साथ अटैचमेंट के तो इस तरह होता है कि मतलब हमें नहीं समझ आती कि हम रॉन्ग साइड पे जा रहे हैं राइट right साइड पे जा रहे हैं लेकिन ये है कि हम इमोशनली अटैच होते हैं तो कैसे है मतलब इस चीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं या ओवरकम कर सकते हैं तो आपके पास जो जो उसका बेंच मार्क है या जो उसका पैमाना है वो ये है कि आप देखें इस्लाम के मुताबिक अगर वो अटैचमेंट ठीक है वो आपको पता चल जाएगा अगर वो नहीं ठीक है तो वो भी आपको पता चल जाएगा बच्चों की अपने माँ बाप के साथ अटैचमेंट हस्बैंड और वाइफ की अटैचमेंट या कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि अल्लाह ताला जिसकी इजाजत देता है तो उसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उसको उस पर कोई परेशानी होनी चाहिए हाँ अगर कोई ऐसी चीज़ पे है जहाँ पे पैमाना टूट रहा है जहाँ आपको पता जाए कि ये चीज़ ठीक नहीं है ये गलत काम के जुमरे में आती है फिर यू हैव टू वर्क ऑन इट और यू सबसे पहले यू हैव टू एक्नॉलेज रॉन्ग ठीक है गलत है उसके बाद फिर आपने उस पर काम करना है कि और फिर वही बात है कि हर चीज का जवाब यहाँ से ही आता है कि आपने सोचना है बैठ के उस पर रिफ्लेक्ट करना है कि अगर ये ऐसा हो रहा है एंड अगर मैं इस बंदे से या इस बंदी से इतना अटैच हूँ तो क्यों हूँ क्या वजह है मतलब कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि मेरे अप, मेरी अपनी ज़ात के अंदर कोई ऐसी नीड है मुझे कोई ऐसी नीड है या मेरी सेल्फ एस्टीम बहुत लो है या मुझे चाहिए कोई बाहर से एक एक्सटर्नल सोर्स या मुझे कहीं से कोई ऐसी चीज कोई इमोशन नहीं मिल रहा जिस जो मैं तलाश करती करती यहाँ तक पहुंच गई हूँ सो so, ये चीजें आपके सोचने खुद सोचना है खुद रिफ्लेक्ट करना है और फिर उस पर काम करना है और अपने साथ ऑनेस्ट होना है अपने साथ दो नहीं करनी अपने साथ झूठ नहीं बोलना कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है बाजू का हम ये भी कर रहे होते हैं तो इस चीज से बचना है और अगर आपको लगता है कि फिर भी ये हेल्पफुल नहीं है तो प्रोफेशनल हेल्प लीजिए जी शहरे यूसफ बस हम आखिरी दो सवाल लेंगे उसके बाद जो है वो हम सेशन एंड कर देंगे फिर आप बाकी सवाल अपने फीडबैक फॉर्म में प्लीज भेज दीजिए जी मैम आपने कहा कि एज भी एक फैक्टर है जो इमोशंस को अफेक्ट करता है तो उहुँ. जैसे टीन एजर हैं वो अलग तरह से रिएक्ट करते हैं तो उनके साथ कैसे डील करना चाहिए एक ये भी है ना कि जैसे ऐसी पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते

एम्पथी यानी अपने आप को उसके शूज़ में रख के अपने आप को उसकी जगह पे रख के उससे बात करें थोड़ी सी ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए बात होनी चाहिए ये जो हमारे यहाँ थोड़ा सा होता है कि नहीं मतलब बाप बेटे में बिल्कुल बात नहीं होगी और कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी वरना उसको डिसरिस्पेक्ट कंसिडर किया जाएगा कि हमारी इज्जत करना छोड़ेंगे ऐसा नहीं होता नॉर्मली और अक्सर जैसे मेरे पास भी बहुत सारे बच्चो टीन जो होते हैं डोलेसेंट्स होते हैं उनके पेरेंट्स उनको लाते हैं कि ये ऐसा करें वैसा करें फलां करें और जब उन, उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि पेरेंट्स पेरेंट्स डोंट लिसन टू अस हमारे हमसे बात ही नहीं करते वो हमें कहते हैं बस ये कर लो ये कर लो उन्होंने हमें मशीन समझावा है कि बस हमने आइडियल फॉर्म में ये करना है नाज पढ़ लो टाइम पे सो जाओ फल कर लो फलां कर लो ए लेवल्स में इतने ग्रेड ले लो बस वो है तो मतलब इससे ज्यादा हमारी कोई शख्सियत ही नहीं है इससे ज्यादा हमारी कोई नीड्स ही नहीं है तो ये भी समझे कि इवन अगर आपको लग रहा है कि वो बड़ा हो रहा है लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे और बहुत सारे सवालत होंगे और अगर आप उनके जवाब नहीं देंगे तो वो किसी और के पास जाएगा उन, उनके जवाब ढूंढने और आपको नहीं पता कि जो उसके जवाब उसको देगा वो उस सही देगा या गलत देगा और वो उसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि वो फिर पूरी जिंदगी वो जवाब उसके साथ चलेंगे तो अगर आप ये चाहते हैं कि कोई उसको गलत जवाब ना दे तो आप खुद उसको जवाब दें और सही जवाब दें और उससे बात करें तो ये इम्पोर्टेंट है पेरेंटिंग uh, एक और सब्जेक्ट है हम इनशा उसको लेटर ऑन कवर करेंगे लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो और आप वो वो बॉन्ड बना सके क्योंकि अगर आप नहीं बनाएंगे तो कोई और बना ठीक अस्सलाम मोमिना हाँ जी आवाज आ रही है हाँ। जी जी आ रही है जी जी अच्छा अच्छा एक तो बहुत अच्छा सेशन है माशाल्लाह और हमने इसमें आ, बहुत सारी लर्निंग हुई है, पे है एक जरूर रखना है तो इंशाल्लाह और दूसरी बात हाँ इंशाल्लाह जो इस टॉपिक से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन था वो ये था कि जैसे जो आप बता रही हैं ना एंगर को कंट्रोल करने के तरीके जैसे जो हमारे रसूल वसल्लम ने बताए ठीक है ना किसी वक्त हम वो एंगर कंट्रोल कर लेते हैं वो मोमेंट गुजर जाता है सब कुछ है लेकिन वो बाद में हमें करता रहता है वो डैमेज करता रहता है वो हमारे इनर को हमारे दिमाग को और याद आता रहता है तो फिर क्या करना चाहिए उसके लिए भी कोई मतलब सिर्फ देखिए बात हुई है ना इस... तो, मतलब स... अगर आप कर सकते तो इससे ज्यादा बेहतर बात कोई है लेकिन अगर आपको पता है और अपनी पर्सनालिटी का पता है कि ये चीज़ मुझे बदल करती रहेगी हम लोग ना हमारे हाँ हमारे माशरे में जो सेफ कंफ्रेंटेशन है यानी आप आराम से बैठ के तसली में जबकि दो लोग आपस में गुस्से में ना हो उस बारे में बात कर सको हम वो नहीं करते हम अनकंफर्टेबल होते हैं इस तरह की बात करने का इस तरह के जज्बात से और उससे डील करने में हम कहते हैं कि या तो उसका एक्सप्रेशन उस गुस्से में ही होगा तो और hmm. और फिर होता ही है कि वो जब गुस्से में होता है वो बढ़ता जाता hmm. है बढ़ता जाता है आपके अंदर वो फटता है फिर मतलब वो और उसके बाद hmm. वो डैमेज ज्यादा करता है राइट hmm. तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप उस मोमेंट को गुजार दें उस गुस्से के वो जो पी के उसको गुजार दें बट लेटर ऑन hmm. अगर वो चीज आपको कॉन्स्टेंटली बॉदर करिए जैसे बच्चे हैं हस्बैंड है, है कोई भी चीज आपको बॉदर करिए आप एक अलग टाइम पे जबकि वो भी तसली में हो होून में हो नॉर्मल कंडीशन में, uh, में हो आप भी काम सिचुएशन में हो आप दोनों बैठ के बात करेंगे देखें ये ये चीजें हैं और मुझे इससे मसला हो रहा है तो वी नीड टू डील डी जब आप करेंगे तो वो चीज एक तो सॉल्व भी हो जाएगी और अगर हाँ। वो सॉल्व नहीं होगी हो तो एटलीस्ट हाँ। वेंटिलेट जरूर हो जाएगी या वो अगले बंदे को पता जरूर चल जाएगा लेकिन उसमें कोई भी मिस uh, बिहेव करने का एलिमेंट या बहुत ज्यादा एंगर या चीजें जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला एलिमेंट नहीं आएगा तो इसको कहते हैं सेफ कंसेशन और ये बहुत जरूरी है सही सही ठीक है ठीक है थैंक यू थैंक यू वेरी मच बहुत अच्छा बहुत अच्छा आपने अच्छा सलूशन बताया है सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन फिजिक सॉरी मोमिना आपकी लास्ट वाला पार्ट मुझे नहीं समझ आया जी ओके okay. तो ए, बाकी क्योंकि बहुत ज्यादा सवाल है वी कैन नॉट टेक ऑल ऑफ देम तो आप इंशाल्लाह फीडबैक फॉर्म में दे दीजिएगा काइंड हम लोग उसको आई ट्राई टू जो भी हम कर सकते हैं इनशाला uh, we'll हम नेक्स्ट सेशन में जो है वो उसको जल्दी कर सके, बट समा वो हो नहीं पा रहा लेकिन विल ट्राई कि इन शह इन तीन जितना भी जल्द अज जल्द हो सके वो करें अभी आप लोगों ने फिलहाल ये करना है जो एक्टिविटी आई वॉज थिंकिंग इस दफ़ा अगर आप लास्ट मंथ की एक्टिविटी करना चाहते हैं जरूर करें लेकिन इस दफा का जो आपका होमवर्क है वो ये कि आपने सीरा से तीन ऐसी निकालनी है ठीक है जिसमें आपको लग रहा हो कि वो इमोशंस वहां पे इन्वॉल्व थे और उनकी बहुत अच्छी हैंडलिंग हुई है ठीक है और हम मतलब एक हाई इमोशनल इंटेलिजेंस का मुजाहरा हुआ है और हम उससे कैसे फायदा उठा सकते हैं ठीक है तो तीन ऐसी एग्जाम्पल्पल निकाली आपने इन ठीक है और पिछले वाली भी कर हैं जी एक्सक्यूज मी फुरहाना आप प्लीज क्वेश्चन रिपीट कर दें जी जी मैंने ये कहा है कि आपने सीरा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा से तीन एग्जांपल्स निकालनी हैं जिसमें आपने देखा है कि इमोशंस इन्वॉल्व थे ठीक है जज्बात इन्वॉल्व थे और उनको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है ठीक है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से निकाल लें या इवन सहाबा की जिंदगी से भी अगर आप निकालना चाहते हैं तीन ऐसी एग्जाम्पल्स निकालनी है और उसमें हमारे लिए क्या लेसन है हमने उससे क्या सीखा ठीक है ये आप निकालें इंशाल्लाह तो ये आपके इस दफा का होमवर्क है ठीक है और बाकी ये कि सवाल वगैरह आप अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा इन शीक्स्ट इन अनाउंसमेंट कुछ तो नहीं है जो भी हैं क्योरीज जो भी हैं वो फीडबैक फॉर्म शेयर कर दिया गया है उसमें पूछ सकते हैं और रिमेनिंग यही है कि जो सीरा को पढ़ें और जो भी टास्क दिया गया है उसपे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में हम पहले क्वेश्चन करेंगे और उसपे प्रीवियस का फीडबैक लेके इंशाल्लाह ताला देन मूव करेंगे जी इंशाल्लाह ठीक है ओके अस्सलाम वालेकुम इमोशनल इंटेलिजेंस का सेशन एंड हो गया है इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे